नमिऊननेमिचन्दं असहायपरकमं महावीरं बन्धुदयसत्तजुत्तं ओगादेशेथवं ओच्चम्। गुणस्थान की अपेक्षा से सत्व और असत्व सत्व इच्छुति सवेरे अपने देखी थी। अब यह गति अधिक मार्गणाओं में कितना सत्व है कितना असत्व है वो बताते हैं। मार्गणा की अपेक्षा से सत्व और सत्व इच्छुति देखना है। गाथा नंबर 344 है। तिरियेन तित्थसत्तम निरयादिसुतिय चौक चौतिन्नी आओणे होन्ति सत्ता शेषम ओघादु जाने जो। तिरिये न तित्थ सत्तम, सब नरकादि गतियों में जान यथायोग्य जानना चाहिए, ऐसा ले जाना चाहिए ऐसा बताया था ऊपर गाथा में। अब जहाँ जो विशेषता है वो बता रहे हैं कि तिरिये तित्थ सत्तम न, तिरियंच गते में तीर्थंकर का सत्व नहीं है, क्योंकि जो तीर्थंकर का बंध जिसने किया है वो तिरियंच गति में उत्पन्न नहीं होता है और तिरियंचों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर तीर्थंकर का सत्व पाया नहीं जाता है। और निरयादिशु नरकादि गति में चौतीय चौक चौतिन्नी आवणी होती, क्रम से नरगति में एक भुज्यमान नरकाय होती है और बध्यमान मनुष्य तिरंचय होती है, तो कुल कितनी सत्ता हो सकती है नरगति में? तीन आयु की सत्व होता है, एक का सत्व नहीं होता है नरगति में, केवल देवायु का। नरक में देवायु का बंध नहीं होता है इसलिए देवायु का सत्व नहीं रहेगा। और तिरंच गति में चारों आयु का सत्व रहता है, भुज्यमान तो एक तिरंच आयु है और बध्यमान चारों आयु हो सकती है, तिरंच मनुष्य देव या नरक चारों बांध सकते हैं। मनुष्य गति में भी चारों गति में जन्म होता है इसलिए चारों आयु का बंध हो सकता है, इसलिए चारों गति का आयु का सत्व रहता है। और देव गति में तिन्नी तीन आयु का ही सत्व रहता है, देव में देव भुज्यमान आयु और बध्यमान तिरंच या मनुष्य आयु का बंध हो सकता है, इसलिए तीन आयु का सत्व रहेगा। मतलब उसमें नरक में देवायु का सत्व नहीं और देव में नरकायु का सत्व नहीं है, बाकी शेष संपूर्ण सत्व होगा उसमें। मतलब नरक गति में कितना सत्व हुआ? 147 का सत्व और एक का सत्व हुआ। तिरंच गति में 147 का सत्व और एक तीर्थंकर का असत्व, केवल एक तीर्थंकर नहीं है बाकी शेष सभी प्रकृतियों का सत्व है। मनुष्य गति में 148 पूरा सत्व रहेगा और देव में 147 ही, उसमें एक नरकायु से रहित, बाकी शेष प्रकृतियों का सत्व वहाँ पर देवगति में पाया जा सकता है। इस प्रकार ये मोस्ट, अब ये सरल है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो क्या हो गए यहाँ पर? चार गति में सत्ता बताई, शेषम ओघादो जाने जो, बाकी सब शेष ओघ से जानना चाहिए। गति मार्गना में ये सत्व बताया। अब यहाँ नरक गति में चारों गुणस्थानों में किस प्रकार सत्व रहता है वो पृथ्वी की अपेक्षा से अलग अलग आएगा ना, तो उस अपेक्षा से दिखाते नरक गति मार्गना। 346 नंबर गाता है। ओघम वाने रहिए न सुरा उतित मत्ति तदियोति छटित मनुष्याओ तेरे ओगम न तिथयरम। ओगम वा नेरये, ओग के समान ही नरक गति में है, उसमें विशेषता है कि न सुराव, उसमें केवल देवायु का क्या रहेगा? असत्व रहेगा। तित्थम अत्थि तदियोति, तीसरी पृथ्वी तक तीर्थंकर का सत्व है, क्योंकि तीर्थंकर का जिसको बंध हुआ है वह जीव तीसरी पृथ्वी तक जा सकता है। और छठी मनुष्याओ, छठी पृथ्वी तक मनुष्यायु का सत्व रहता है, मतलब सातवीं पृथ्वी में
मनुष्यायु का सत्व नहीं है, क्योंकि वो मनुष्यायु बांधता नहीं है और भुज्यमान केवल नरकायु है, इसलिए मनुष्यायु का सत्व नहीं है। तिरिये ओघम न तित्थयरम, तिरियंच गति में ओघ के समान है, केवल उसमें तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। इसका अपन थोड़ा सा देखते गुणस्थान की अपेक्षा से, यहाँ पर सत्व कितना है, एक देवाय छोड़कर 147 का सत्व है। तो पहले गुणस्थान में पहला गुणस्थान सत्व, यहाँ पर पहले गुणस्थान में 147 का पहली पृथ्वी की अपेक्षा नहीं आएगा, क्या वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं, मतलब जिसने शायिक समय तो प्राप्त नहीं किया और पहली पृथ्वी में जाना है तो उसको भी वहाँ पर देवायु से रहित वो 147 हो गया। अब गुणस्थान की अपेक्षा से वहाँ लगाएंगे सत्व, तो पहले गुणस्थान में तीर्थंकर का सत्व भी रहता है, इसलिए 147 का ही सत्व आएगा और असत्व जेरो आएगा, विच्छुत्ति भी कुछ नहीं है सत्व। यहाँ दूसरे गुणस्थान में तीर्थंकर और आरग्द्विक दोनों का सत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 147 में तीन कम होंगे तो 144 का सत्व रहेगा, असत्व यहाँ पर तीन का होगा। ये तीन कौन से है तो अभी बताया था, वह तीर्थंकर और आहारकद्विक। तीसरे गुणस्थान में यहाँ पर तीर्थंकर का सत्व खाली नहीं रहेगा, आहारकद्विक का सत्व रहेगा, तो 147 में से एक कम किया तो 146 का सत्व रहेगा, असत्व एक तीर्थंकर का रहेगा। चौथे गुणस्थान में सबका सत्व रहेगा, 147 का सत्व रहेगा। इसमें ज़्यादा पहले चार गुणस्थानों में कुछ ये नहीं है, इसलिए बहुत सरल है ऐसा। अब ये तीन पृथ्वी की अपेक्षा से है, चौथी पांचवी छठी पृथ्वी की अपेक्षा से वहाँ पर 147 की जगह क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कुटे ठेला है डस्ट। एक सौ छियालीस का सत्व रहेगा, इसमें केवल हाँ तीर्थंकर की सत्ता नहीं, चार से छठी पृथ्वी तक। तो यहाँ 146 का सत्व होता है, तो पहले गुणस्थान में 146 सभी का सत्व रहेगा, असत्व जेरो, विच्छुत्ति भी जेरो आएगी। दूसरे गुणस्थान में आहारक द्विक का सत्व नहीं है तो 144 का सत्व और ये असत्व दो आहारक द्विक। और तीसरे गुणस्थान में सभी सत्व रहेगा, 146 का ही सत्व रहेगा, और चौथे गुणस्थान में भी 146 का ही सत्व रहेगा। सातवें नरक में, अब सातवीं पृथ्वी में मनुष्यायु और एक कम होगी सत्ता में से, 145 का सत्व रहेगा। सातवीं पृथ्वी पर पहले गुणस्थान में 145 का सत्व रहेगा, दूसरे में आहारक द्विक से रहित मतलब 143 का होगा, तीसरे में 145 का वापिस, और चौथे में भी 145 का सत्व रहेगा। इसमें सरल है। अब तिरेंच गति में सत्व कितना बताया था, सत्व 147, वहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है तिरेंच में।
तो यहाँ पहले गुणस्थान में सभी सत्व रहेगा 147, दूसरे गुणस्थान में एक आहारक विकार रहित मतलब 145 का सत्व होगा, तीसरे गुणस्थान में 100 सब होगा 147 का सत्व, चौथे गुणस्थान में भी 147 का सत्व होगा। अब चौथे गुणस्थान में यहाँ विच्छुत्ति नरकायु की होगी, एक नरकायु। और यह जेरो जेरो नहीं, पांचवा गुणस्थान का शपक श्रेणी की अपेक्षा से लगा है, आठवें गुणस्थान से शपक श्रेणी होगी ना, तो सत्ता है ही नहीं ना उसके, सत्वे से विच्छिन्न मतलब सत्ता है ही नहीं, उसको कहते सत्व मतलब सत्व विच्छुत्ति। हाँ, उसकी सत्ता होगी तो वो आगे नहीं जा सकता है, इसलिए उसकी विच्छुत्ति वहीं पर होगी ना। यदि उस जीव के नरकाय और मनुष्य का सत्व रहेगा तो पांचवा गुणस्थान नहीं हो सकता है, इसलिए उसके चौथे में ही असत्व उच्चते करेंगे। नहीं नहीं, वो चौथे में सत्व उच्चते मतलब चौथे में उसका सत्व है और पांचवे में उसका ये हो जाएगा ना। असत्व में क्या होता है, वहां पर असत्व और आगे जाकर के उसका सत्व होता है। उदय अनुदय उच्चते में भी हम कैसे करते थे कि उस गुणस्थान में उसका उदय नहीं इसलिए अनुदय में रखा, फिर आगे जा करके वो वापस उदय में आता है, जो अनुदय में रखा है उसको वापस अनुदय होता है ना। जैसे पहले गुणस्थान में पांच प्रकृति अनुदय में रखते हैं तो आगे आगे के गुणस्थान में वापस वो अनुदय में आती है। सत्व विच्छुति बिना के अपन असत्व में डालेंगे तो ऐसा होगा कि जैसे अभी यहाँ पर दो है, ये यहाँ पर इस गुणस्थान में नहीं है इसलिए उसको असत्व में डाला, लेकिन आगे के गुणस्थानों में इसका सत्व होगा ना, इसलिए इसकी सत्व विच्छुति नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पर इनका अस्तित्व आगे के गुणस्थान में पाया ही नहीं जाता है इसलिए वहाँ पर सत्व विच्छुति करते हैं। उस अपेक्षा से मतलब उसका क्षय, आयु का क्षय करना ही नहीं ना, आयु का तो जितना मतलब बंध किया उतना भोगना ही पड़ता है, और अन्य आयु बांधी नहीं यही उसका क्षय है, मतलब बांधते नहीं तो उसके विच्छुति कहेंगे उसको। अगले गुणस्थान में कहीं पर भी आपको नरकायु दिखाई देगा क्या सत्ता में, पांचवे छठे सातवें आठवें नौवें गुणस्थान में, तो यही पर सत्व विच्छुति होगी ना। मनुष्य आयु का तो तिरेंची की अपेक्षा से सत्व विच्छुति की है, तिरेंचे गति में लगाए ना इसको, तो तिरेंचे में कहीं पर भी पांचवे गुणस्थान में मनुष्य आयु का सत्व पाया नहीं जाएगा, इसलिए वहां पर चौथे गुणस्थान में उसकी विच्छुति करनी पड़ेगी। हाँ, सत्व है ना वहाँ पर, चौथे गुणस्थान में उच्चति का अर्थ ही होता है ना कि जिस गुणस्थान में हमें उच्चति की है उस गुणस्थान में उसका है अस्तित्व, आगे के गुणस्थानों में वो नहीं है, आगे किसी भी गुणस्थान में उसका अस्तित्व नहीं पाया जाएगा तो उसकी विच्छुति करेंगे। आगे किसी भी गुणस्थान में उदय नहीं होगा तो उसकी उदय विच्छुति करेंगे, आगे किसी भी गुणस्थान में उसका बंध नहीं होगा तो उसकी बंध विच्छुति, नहीं तो फिर उसको अबंध में या अनुदय में या
असत्व में रखते हैं। तिरेंचक गति के समान ही तिरेंचों के पांच भेद किए, तो तिरेंच सामान्य का भी पर्याप्त पंचेंद्र तिरेंच, पर्याप्त पंचेंद्र तिरेंच, सभी का इसी प्रकार होगा। उसमें फिर एक केंद्र अधिक भी आ जाएंगे ना, उसमें केवल पंचेंद्र ही लेना है पर्याप्त तिरेंचे में, पर्याप्त पंचेंद्र तिरेंच इसलिए कहते हो कि उसमें केवल एक केंद्र द्विंद्र अधिक भी पर्याप्त हो सकते हैं ना। उसके वो निरूपणा अलग होते हैं ना, इसलिए उसको अलग अलग किया है, नहीं तो सामान्य तिरेंच में तो एक केंद्र अधिक सब आ गए हैं। हाँ, सामान्य में पर्याप्त पर्याप्त आएंगे, एक केंद्र अधिक भी आएंगे, लेकिन पंचेंद्र पर्याप्त इसलिए अलग लिया कि उसके अलग प्ररूपणा बताने के लिए। अब यहाँ जो योनिमत तिरेंच है उसकी अपेक्षा से क्या अंतर होगा, उसके अपेक्षा से भी कुछ अंतर नहीं होगा, इसे वो सब रहेगा ही उसको भी। अब लब्ध प्राप्त तिरेंचे में एक ही गुणस्थान है, तो लब्ध प्राप्त में आहारक द्विक का भी वहाँ पर भी हो सकता है, आहारक द्विक का सत्व हो सकता है। तो हाँ, नरकायु देवायु और तीर्थंकर बराबर है। लब्ध पर्याप्तक तिरेंच में नरकायु का बंध नहीं होता है, देवायु का बंध नहीं होता है और तीर्थंकर का बंध नहीं होता है, तो उसको 145 का सत्व रहेगा, तीन का सत्व रहेगा, तीन में आएगा। मतलब देखो कैसे, मतलब इससे नहीं, मतलब वो निकाल ही दिया है, ये गुणस्थान की अपेक्षा नहीं सामान्य घटित करें। लब्ध पर्याप्त तिरेंच में एक ही गुणस्थान होगा पहला ही, तो उसमें 145 का सत्व होगा और तीन उसका असत्व है, मतलब इसकी सत्ता कभी पाई नहीं जाती है लब्ध पर्याप्त में, तीर्थंकर की, देवायु और नरकायु की। मतलब कोई मुनिराज है, आहारक द्विक का बंध किया, नीचे आए और लब्ध पर्याप्त में भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक गए तो भी आहारक द्विक का भी सत्व है ना। लोग कैसे विडंबना है ना, ऐसे इतने परिणामों की विशुद्धि होकर के चढ़ता है इसलिए, और नीचे आकर के वो लब्ध पर्याप्त में भी जा सकता है। किसकी? हाँ, चौथे में कर सकता है ना, या चौथे में गए तो चौथे में कर सकता है, पहले में गए तो पहले में करेगा। तीर्थंकर और देवाय और नरकाय का उसको सत्व नहीं होता है लब्ध पर्याप्त को, आरग्धिक का सत्व है। तो इस प्रकार तिरेंच गति में सत्वा सत्व दिखाए। अब मनुष्य गति में, मनुष्य गति में जैसे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल ही आयु का ही अंतर होगा ऐसे, मतलब विच्युति की अपेक्षा से। मनुष्य गति सत्व 148 का पूरा रहेगा, पहले गुणस्थान में सत्व 148 का पूरा रहेगा और असत्व 0, क्योंकि वह जब नरक में जाता है तो उसमें एक अंतर्मुहूर्त के लिए मनुष्य रहता है, तब वहाँ आता है पहले गुणस्थान में, तो पहले गुणस्थान में भी तीर्थंकर का सत्व वहाँ पाया जाएगा और आहारतिक भी सत्ता वाला भी आ सकता है, तो वह उसका भी सत्व रहेगा। जैसे सामान्य गुणस्थान में लगाया है वैसा ही यहाँ पर भी होगा। दूसरे गुणस्थान में तीन का सत्व नहीं है, तो 145 का सत्व रहेगा, असत्व 3। तीसरे गुणस्थान में केवल तीर्थंकर का सत्व नहीं है, तो 147 का सत्व रहेगा, 0। चौथे गुणस्थान में
48 का सत्व रहेगा और असत्व 0 और विच्युति यहाँ पर भी 2 की होगी, यहाँ नरकायु और तिर्यंचायु की होगी, क्योंकि जिसने तिर्यंचायु का बंद किया है वह पांचवें गुण स्थान में नहीं जाता है। तो वहाँ पर इतना ही फर्क है, बाकी सब गुण स्थान के समान ही आगे लगाना है, बाकी सब सत्व मनुष्य की अपेक्षा से सामान्य में है ना। तो यहाँ 146 का सत्व और असत्व 2 का और विच्छुत्ति यहाँ पर नरकायु तिर्यंचायु की तो हो गई ना, यहाँ पर 0 ही आएगी ना, यहाँ पर कुछ सत्व विच्छुत्ति नहीं होगी। जो पांचवे में थी वो अपन ने चौथे में की ना, यहाँ पर तिर्यंचायु की विच्छुत्ति, इसलिए 0 आएगी। फिर आगे सब गुणस्थान के समान ही, छठे में कुछ विच्छुत्ति नहीं, सातवे में 8 प्रकृति की विच्छुत्ति, फिर आठवे में कुछ विच्छुत्ति नहीं, नवे में कितनी विच्छुत्ति है, 36 की, 36 कैसे, 16 8 1 1 6 1 1 1 4 भर लेना, ऐसे 36 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति होती है। 16 कौन सी प्रकृति है महाराज जी बताए, मनुष्य दिख नहीं, नरकायु नहीं लेना यहाँ पर, नरगति नरगत्यान पूर्वी तिरे एकादश और स्त्यान गृद्धि त्रिक हो गए ना 16। नहीं हो या इसमें सबसे छोटे आप है तो आपकी उम्र सबसे कम है। हाँ तो 16, फिर दूसरे 8 कौन से लेना, बीच के 8 कशा है, मतलब इसका भी एक बार भी रिवीजन नहीं हुई ना इसलिए। फिर 1 कौन से लेना, नपुसक वेद, फिर स्त्री वेद, 6 9 कशा है, हाँ माया, हाँ बस 10वें में संज्वलन लोभ, 11वें में कुछ नहीं, 12वें में हाँ घात्य कर्म की है सब पूरी, निद्रा प्रचला दर्शनावरण की 2 और 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 13वें में सत्व इच्छुति 0, 14वें में द्विचरम में 72 और चरम में 13 छोड़कर सब 72 है ऐसा कहो। लगा दो आगे। अब देवगति, देवगति की अपेक्षा से सत्व कितना है, उसमें भी कुछ ज़्यादा गुणस्थान की अपेक्षा से फर्क नहीं होगा, नरगति के समान, केवल वो वहाँ पर नरकायु रहित लगाना इतना ही। चार ही गुणस्थान होंगे वहाँ, हाँ हाँ वो तो गति का हमेशा बंद करते हैं ना, इसलिए कहा ना अपने पास में स्टॉक में सभी है, कोई भी कभी उदय में आ सकती है, केवल तीर्थंकर अभी हमारे पास नहीं होगा, अभी सत्व स्थान भंगाधिकार कहेंगे तो उसमें वो समझ में आएगा कि एक समय में कितना सत्व रहता है, तो एक 2 आयु हमारी रह सकती है और तीर्थंकर नहीं है, 2 आयु का सत्व नहीं और 1 तीर्थंकर का सत्व नहीं है, बाकी सभी सत्व अभी हमारे पास हो सकते हैं। 145 का एक जीव में, नाना जीव की अपेक्षा नहीं, एक जीव में, मतलब नियम से सम्यक तो नहीं हुआ है, मिथ्या दृष्टि है तब तक वो आज दर्शन होने की 3 नहीं होगी, यदि सम्यक तो हो गया है तो उसका भी सत्व आ जाएगा, 2 का सत्व, और आरक द्वीप का भी हमने पिछले भव में कभी आयु बंद किया हो तो अभी रह सकता है, आरक द्वीप का बंध कभी पिछले भव में मुनि हो गए हो उस समय हमने बंद किया हो तो हो सकता है आरक द्वीप का भी बंद, मतलब सत्व और 2 आयु का। हाँ केवल तीर्थंकर नहीं हो सकता है, ये नियम है यहाँ पर, और 2 आयु नहीं, तीर्थंकर और 2 आयु छोड़ करके सभी रह सकते हैं। देवगति में 147 का,
पहले गुण स्थान में यहाँ पर कितने का असत्व आएगा? केवल आहारक द्विक का कुछ भी नहीं, 147 पूरा सत्व रह सकता है, मतलब तीर्थंकर का सत्व नहीं है, यही बताना था मुझे। तीर्थंकर का सत्व वहाँ रहेगा नहीं, केवल वहाँ पर नरक की और मनुष्य के अपेक्षा से ही पहले गुण स्थान में तीर्थंकर का सत्व आता है। तो हाँ, वो नरक गति में जाता है उसी की अपेक्षा से। तो एक मतलब कौन सी है? तीर्थंकर। हे तो ये नरकायु काढलं, यहाँ पर एक तीर्थंकर निकाला, क्योंकि पहले गुण स्थान में तीर्थंकर का बंद करने वाला जीव जाएगा नहीं देवगति में, और देवायु का जिसने बंद किया वो मनुष्य भी नहीं जाएगा। और 100 यहाँ पर सत्व 147 में से 101 तीर्थंकर और 2 आहारक द्विक, 144 का सत्व और 3 का असत्व, तीर्थंकर और आहारक द्विक। और यहाँ तीसरे में आहारक द्विक का सत्व नहीं होगा। हाँ, होता है, तीर्थंकर का सत्व नहीं होगा, वापिस 146 होंगे और यहाँ 1 का असत्व। चौथे गुण स्थान में सभी का सत्व पाया जाता है, 147 का सत्व और यहाँ सत्व कुछ नहीं, और यह सत्व इच्छुत्ति नरकायु का तो पहले ही निकाला है ना, कुछ भी इच्छुत्ति होगी नहीं। सौधर्म स्वर्ग से लेकर के यहाँ तक 12वें स्वर्ग तक ऐसा ही रहेगा। अब हाँ, जिसने तो हाँ आयु बांध कर ही जाएगा ना, बिना आयु बांधे जाएगा देवगति में। जाते हैं ना, तीर्थंकर का सत्व चौथे में बनेगा, पहले में नहीं बनेगा। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में तीर्थंकर का ये करने वाला नहीं जाएगा। अब वहाँ देवगति में तीसरे 12वें स्वर्ग तक ऐसा ही होगा, आगे के स्वर्गों में जो है वहाँ पर तिरेंचयु का सत्व नहीं रहेगा, क्योंकि तिरेंचय का बंध नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पर 147 की जगह 146 आएगा। और फिर यहाँ पर सब एक एक का फर्क हो जाएगा। एक तीर्थंकर का असत्व है, बाकी 145 का सत्व है, और यहाँ और 2 आहारक द्विक का सत्व नहीं है, तो 3 का असत्व और 143 का सत्व, विच्छुति कुछ नहीं। यहाँ पर एक तीर्थंकर का असत्व है, बाकी 145 का सत्व रहेगा, और यहाँ 146 का सत्व रहेगा, विच्छुति कुछ नहीं है। ऐसे आगे के 9वें तक, और अनुदिश में तो एक केवल चौथा ही गुणस्थान होता है, तो पूरा 146 का वहाँ पर सत्व रहेगा। वैक्रियक षटक की जगह वैक्रियक द्विक करना है, और देवगति नरगति देवाय नरकाय दुर्भगाना दे ऐसे बराबर है वहाँ पर। अब यहाँ सत्व में 12वें स्वर्ग से 16वां स्वर्ग हुआ है, वहाँ पर 13वें स्वर्ग से करना है, 199 पेज पर है। नरगति के कहाँ पर? हाँ हाँ, इधर पीछे नरगति है ना, देव नरगति। हाँ, देव नरगति लिखी है, वो वैक्रियक षटक नहीं आएगा क्योंकि अनुपूर्वी नहीं है, इसलिए। अभी यहाँ वापस चलते सत्व में। गति की गाथा संपन्न।
पेज नंबर 347 है, पेज नंबर नहीं, गाथा नंबर 347। एवं पंचतिरिखे पुण्यदरे नत्ति निरय देवावू ओगम मनुसति येसुवी अपुन्नगे गुण अपुन्नेव। तिरंचे में जैसे लगाया कि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता है, इतना ही तिरंचे गति में विशेषता बताई थी। और चौथे गुण स्थान में वहाँ मनुष्य और नरकायु दोनों की सत्व इच्छुति हुई। एवं पंचतिरिक्खे, इसी प्रकार पंचेंद्र तिरंचे में भी लगाना। पुण्यदरे नत्ति निरय देवाओ, पुण्यदर मतलब लब्ध पर्याप्तक, अपर्याप्तक में नरकायु और देवायु नहीं है, ये लब्ध पर्याप्तक में विशेषता, तीर्थंकर भी नहीं है और नरकायु और देवायु भी नहीं है। ओगम मनुष्यति सुवी अपुण्यगे पुण अपुण्येव, मनुष्यत्रिक में भी ओग के समान, मनुष्यत्रिक मतलब सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और योनिमत मनुष्य मतलब योनि मनुष्य, इन तीनों में भी ओग के समान है, केवल अपर्याप्तक में अपुण्येव अपर्याप्तक का ही के समान है, मतलब लब्ध पर्याप्तक तिरंचे के समान है, मतलब उसमें भी नरकायु देवायु नहीं होगी और तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होगा, बाकी शेष सभी सत्व पाए जाएगा। यहाँ पर वो बताना था योनिमत मनुष्य, उसमें भी सभी सब सत्व है, मतलब भाव स्त्रीवेदी जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं, केवल उदय उसमें नहीं आएगा, इसलिए सत्ता उसमें रहने में बाधा नहीं है तीर्थंकर, कर सकता है भाव पुरुष वेदी ही होगा। और यदि स्त्री वेदी है तो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होगा। निशपक श्रेणी पर तीर्थंकर प्रकृति सत्व सहित स्त्री वेद नहीं पाया जाएगा शपक श्रेणी पर। आगे 148 नंबर गाथा है। ओघम देवे नहि निर याउ सारोति हो दितिरियाउ भवनति अक्कपवासिय इति सुनति थयर सत्तम। देवे ओग के समान देवगति में है, उसमें विशेषता है नहि निर याउ, नरकायु का सत्व नहीं है, कहाँ तक सारोत्ति, सारोत्ति हो दी तिरियाओ, सार मतलब सहस्रार लगाना, सहस्रार स्वर्ग तक एक छोटा सा एक देश में पूरा नाम आ जाता है, तो सहस्रार तक तिरंचायु का सत्व है, सहस्रार स्वर्ग मतलब बारहवे, हाँ सहस्रार नहीं सहस्रार बोलते हूँ। भवन तिय कप वासे इतिसु तिथर सत्तम न, उसमें भी देव में जो भवन त्रिक में जन्म लेता है या कल्पवासी स्त्रियों में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, बाकी शेष ओग के समान है। हाँ आहारक द्विका हो सकता है, मतलब आहारक द्विका बंद किया हुआ जो कहीं पर भी गमन कर सकता है। हाँ उनको भी नहीं, उनकी प्ररूपना अलग से करते नहीं है, वहाँ तो देवी जो है वो मतलब पहले दो स्वर्ग की मानी जाती है, अब ऊपर की देवी, हाँ हाँ तो वो कर सकती होगी ना तिरंचायु का बंध, वो उसका कुछ ये नहीं है, मतलब नहीं होगा ऐसा, उसका वो विधि भी निषेध भी कुछ नहीं दिया हुआ है, निषेध नहीं दिया हुआ है तो इसका अर्थ तो वो कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। वहाँ तो द्रव्य और भाव दोनों एक ही होते हैं ना, स्वर्ग में भाव और द्रव्य दोनों एक ही होते हैं, भाव वेद की अपेक्षा से ही वर्णन है, तो वहाँ पर देवियों में नहीं रहती है, स्वर्ग के जो देवियाँ हैं यहाँ पर भी द्रव्य स्त्री में हो गई नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व वहाँ पर वेद वैषम्य है नहीं ना, वहाँ पर
इस हाँ वो द्रव्य स्त्री में तो होती नहीं ना देवी हाँ? भाव स्त्री वेद कौन जो द्रव्य से पुरुष है वो भाव स्त्री रहे भाव पुरुष रहे या भाव नपुंसक रहे उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है लेकिन द्रव्य की अपेक्षा जो स्त्री है उसको तो कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा एक ही होते हैं ना तो द्रव्य स्त्री में तो पाया नहीं जाएगा ना यदि द्रव्य पुरुष और भाव स्त्री होता वहां पर तो वह पाया जाता द्रव्य से पुरुष ही चाहिए ये नियम है शायद सम्यक तो के लिए भी और उसके लिए भी मतलब पांचों गुण स्त्री वेद में शायद सम्यक तो होता है लेकिन द्रव्य स्त्री वेदी को नहीं होगा शायद सम्यक तो हाँ तो तेजोलेशा में ही लेते हैं ना उसको वो देवियाँ जो सोलवे स्वर्ग तक है उनकी तेजोलेशा ही लेते हैं हाँ पद्मलेशा भी नहीं शुक्ललेशा भी नहीं उसके तो ऐसा लगता तो ऐसा ही कहीं पर प्ररूपण उसके आया मतलब प्ररूपण आया नहीं उसका लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब होना चाहिए उनको उसके अलग से प्ररूपणा नहीं करते ना अलग अलग स्वर्गों की अपेक्षा देवियों की प्ररूपणा खाली भुवनत्रिक के साथ में सब देवियों को रखते हैं हाँ आगे अब इंद्रिय मार्गणा प्रारंभ होती है इंद्रिय मार्गणा में बताते विशेषता क्या है 349 नंबर की गाता है ओगम पंचकतसे से सिंधिय कायगे अपन्नम वा ते उदुगे ननराव सवत्थु वेलना विहवे ओगम पंचकतसे काय मार्गना और इंद्रिय मार्गना दोनों साथ साथ ले रहे पंचेंद्रिय में और त्रसकाय में दोनों में ओग के समान क्योंकि दोनों में सभी जीव आते हैं ना पंचेंद्रिय में भी चारों गति के जीव आते हैं और त्रसकाय में भी चारों गति के जीव आते हैं तो दोनों की प्ररूपणा ओग के समान है सेसिंद्रिय कायगे अपुण्णम वा बाकी की इंद्रिय और काय में मतलब एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और काय में पृथ्वी का है जल का अग्नि का है वायु का एक में और वनस्पति का एक इसमें अपुण्णम वा लब्ध पर्याप्तक में जैसा बताया वैसा मतलब उसमें तीन का सत्व नहीं बताया था तीर्थंकर देवायु और नरकायु इन तीन का सत्व नहीं रहेगा ते उदुगे न नराव उसमें वापिस जो तेजस का एक और वायु का एक है उसमें मनुष्यायु का भी सत्व नहीं रहेगा क्योंकि तेज का एक और वायु का एक मरण करके मनुष्य में उत्पन्न नहीं होते इसलिए मनुष्यायु का वो बंध नहीं करते हैं तो उनको भी कभी भी मनुष्यायु का सत्व नहीं पाया जाएगा सर्वत्र उद्वेलना भी हवे और सर्वत्र उद्वेलना भी होती है अब उद्वेलना का प्रकरण आगे बताएंगे मतलब उद्वेलना होती है इसका अर्थ संक्रमण का भी वर्णन आने वाला है अगले दो त्रिचुलिक अधिकार में तो वहाँ पांच प्रकार का संक्रमण बताया है उसमें एक उद्वेलन संक्रमण है मतलब जो बंद किया हुआ है पहले मतलब जैसे अपन ने रस्सी को ये करते ना नहीं रस्सी बटना है रस्सी को बटते हैं पहले प्रयत्नपूर्वक और फिर प्रयत्नपूर्वक क्या करते हैं उसको खोलते हैं तो उसी प्रकार यहाँ प्रयत्नपूर्वक पहले बंद किया है कषाय के निमित्त से वगैरह और वापिस जब वह गुणस्थान छोड़ता है और नीचे आता है मतलब संयम धारण करने के बाद आहारक द्विका बंद किया सम्यक तो प्रकृति जब सम्यक तो हो गया तो वह मिश्र सम्यक तो की सत्ता आई संक्रमण होकर के या देवद्विक उच्च गोत्र नरगति आदि का बंद किया तो जहाँ पर वो बंधने की योग्यता नहीं है वहाँ जाने पर उसका वापिस उद्वेलन चालू होता है मतलब उल्टा
कि जो उस रूप थे परमाणु वे अन्य प्रकृति रूप परिणमित होकर के उसकी सत्ता ही नष्ट हो जाएगी कुछ काल के बाद, उसके पल्ले का संख्या अथवा भाग वगैरह काल है वो काल के बाद। तो उद्वेलन संक्रमण की प्रकृतियां, मतलब जैसे रस्सी को बलपूर्वक उदड़ने से उसका रस्सीपना नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिन प्रकृतियों का हमने बंध किया था उनको उद्वेलन संक्रमण भाग हर के द्वारा आकर्षण करके उनकी अन्य प्रकृति रूप हो करके उसका नष्ट, उनको नष्ट करना, इसको उद्वेलन संक्रमण कहते हैं। तो उद्वेलना की प्रकृतियां कितनी है वो आगे बताते हैं। उद्वेलन संक्रमण सभी का नहीं है, केवल 13 प्रकृतियों का उद्वेलन संक्रमण होता है। वो कौन कौन सी प्रकृति है वो बताते हैं आगे। उदय नहीं, बंद नहीं कर सकता है, बंधने योग्य नहीं है, नहीं है। अब जैसे हमने पहले बंद किया है और ऐसी पर्याय में गए कि उस प्रकृति का वह बंद नहीं हो सकता है, अभी आगे बताएंगे ना। लेकिन अभी आहारक द्विक है उसकी उद्वेलना करेंगे तो पूरा सत्व आहारक द्विक से रहेगा नहीं ना, वो अवधारिक अधिक रूप से परिणमित होकर के नष्ट ही होगा ना। उसका आहारक रूप से तो उदय में आएगा नहीं, बंद उस रूप किया लेकिन वह निचले गुणस्थान में आया, असंयम में आया, तो वहाँ आहारक द्विक के परमाणु जो है वह अवधारिक द्विकाधिक रूप से परिणमित करके उसका सत्ता में से नाश करेगा। पल्ले के असंख्यात भाग काल है उसका आहारक द्विक के उद्वेलना का, उतने काल में वह सब कांडक घात उसमें भी होते हैं, वो कांडक करके उसका नष्ट नाश होता है। हाँ आगे और आने वाला है डिटेल उसका त्रिचूलन करण चूलिका अधिकार में। 350 नंबर का आता है कि वो उद्वेलना की कौन कौन सी प्रकृतियां हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। हारदु मिस हारदु सम्मम मिसम सुरदु गणारय चौक मणु कमस उच्चागोदम मणु दुग मुवेलि जन्ति जीवेहिं। हारदु आहारक द्विक, सम्मम ने सम्यक्त्व, मिश्र सुरदुग देवद्विक, ऐसे क्रम से इसको याद रखना है क्योंकि क्रम से इनका उद्वेलन होता है, पूर्ण जो संपूर्ण होता है वो इसी क्रम से होगा। नारय चतुष्क, नारक चतुष्क मतलब नरगति नरगत्यानपुरी वैक्रेक द्विक वैक्रेक शरीर वैक्रेक अंगोपांग, अनुकमसो क्रम से, फिर उच्चागोदम उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक, उवेलिज्जन्ति जीवेहि जीवों के द्वारा उद्वेलित की जाती है, मतलब उसकी उद्वेलना होती है, कर्मणि प्रयोग में किया है इसलिए उवेलिज्जन्ति ऐसा किया। तो अब यहाँ पर कौन किसका स्वामी है, किस प्रकृति की उद्वेलना कौन जीव करता है। एक अवधारिक द्विक एक उदाहरण बताया मैंने, अवधारिक द्विक में ही होता है नियम ने, अवधारिक में जिसका उदय हो उस रूप से उदीर्ण आकर के उस रूप से खिरता है, या अन्य वैक्रेक द्विक अधिक रूप से भी होकर के खिरेगा। नाम कर्म के उत्तर प्रकृतियों में किसी का भी किसी में संक्रमण हो सकता है। नहीं अभी स्वामी बताए ना, बताएंगे ना अगले गाथा में। 13 प्रकृतियां हो गए क्रम से, आहारक द्विक सम्यक्त्व मिश्र देवद्विक नारक चतुष्क उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक, अब इनके स्वामी कौन है उद्वेलना करने वाले वो बता रहे हैं। 351 नंबर गाता है। चदुगदि मिच्छे चौरो इगि विगले छप्पि तिन्नि देव दुगे सिय अति नति सत्तम सपदे उपन्न ठाणी। चदुगदि मिच्छे आहारक द्विक सम्मम और मिसम चार लेना है, चौरो चार प्रकृतियों की उद्वेलना का स्वामी चारों गति का मिथ्या दृष्टि है, या सामान्य मिथ्या दृष्टि लिखा है
लेकिन अन्य ग्रंथों में असंयम भी उसका उद्वेलना का कारण बताया है, क्योंकि संयम के निमित्त से उसका बंद होता है, तो असंयम में आने पर उसकी उद्वेलना होती है। यह चतुर्गति मिथ्या ऐसा लिया है ना, तो चारों गतियों का मिथ्या दृष्टि जीवों में इसकी उद्वेलना होती है। इगी विगले छप्पी तिन्नी तेवुदुगी, एकेंद्र विकल त्रय में आगे की जो छह प्रकृतियां हैं देवद्विक और नारक चतुष्क, इनकी उद्वेलना एकेंद्र विकल त्रय पर्याय में होगी। जैसे ही जो एकेंद्र में गया, पंचेंद्रिय था तो वहां देवद्विक का वगैरह बंद किया था, नारक चतुष्क का वगैरह, लेकिन जब एकेंद्र में चला गया तो वहां बंद भी होता नहीं है देवद्विक और मतलब देवगति और नरक गति संबंधी, और जो बांधी है पहले उसके भी क्या करेगा, उद्वेलना करके उसका सत्व नष्ट करता है। एकेंद्र पर्याय में ज्यादा काल तक वह रहा, मतलब पल्ले का संख्या अथवा भाग काल तक, तो वहां पूरा सत्व उसका नष्ट होगा और उस सत्ता से रहित होगा, इसलिए आगे सत्व स्थान भंगादि का रहेगा ना, तो इन इन प्रकृतियों से रहित ऐसा स्थान लेंगे। तो एकेंद्र और विकल त्रय में छह प्रकृतियों की उद्वेलना होती है, मतलब चार की तो होती है, मतलब उस एकेंद्र विकल त्रय में आहारक द्विक की भी करेगा, सम्यक्त की भी करेगा, मिश्र की भी करेगा, और देवद्विक और नालक चतुष्क की भी उद्वेलना करता है। मतलब पहले से जब मनुष्य में से निकला तो वहां पर ये चालों की उद्वेलना चालू ही थी, फिर जब एकेंद्र विकल त्रय पर्याय में गया तो उन चारों के साथ में इनका भी उद्वेलन प्रारंभ होता है, उद्वेलन क्रम से समाप्त होगा, लेकिन प्रारंभ एक साथ सभी का होता है। फिर ते उदोगे तिन्नी, आगे तेजस कायिक और वायु कायिक में जो आगे की तीन प्रकृतियां उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक, तेजस कायिक और वायु कायिक में इनका बंध भी नहीं होता है, और इनकी सत्ता जो पहले होगी तो सत्ता भी नष्ट होती है, मतलब उसकी उद्वेलना होती है, सत्व नष्ट हो या न हो लेकिन उद्वेलना चालू होती है। सी अति नति सत्तम सपदे, अपने स्वस्थान में इसका सत्व होगा भी और नहीं भी होगा, और उपन्न ठाने भी, उत्पन्न स्थान में भी, मतलब दोनों स्थान में, स्वस्थान में मतलब उसी भाव में उसने उद्वेलना पूरी की तो स्वस्थान में कहा जाएगा, और उत्पन्न स्थान में मतलब दूसरे पर्याय में वहां गया और उत्पन्न होते हुए ये सत्व उसका अलग अलग हो सकता, उसमें भी वहां उद्वेलना हो सकती है, इन चारों की उद्वेलना करता है। तो पहले क्या, हाँ सामान्य बात बताई कि चारों गति वाला मिथ्या दृष्टि जो है वो तिरंचे गति वाला सभी जीव आ गए उसमें, तो वह आहार द्विक का मतलब उद्वेलन कर सकता है। तो जब वह उसकी सत्ता कितनी थी, तीर्थंकर को छोड़ो और देवन आयु छोड़ेंगे, तो अभी जब तक उद्वेलना पूरी नहीं हुई तब तक उसके पास कितना सत्व रहेगा, 145 का रहेगा, मतलब उद्वेलना रहित, अभी एक भी प्रकृति की उद्वेलना नहीं हुई है तो 145 का सत्व रहेगा। फिर क्रम से सबका उद्वेलन एक साथ प्रारंभ करता है मिथ्यात्व में जाने के बाद, तो पहले पल्ले का असंख्या तो भाग काल गया तो वहां पर आहारक द्वि की उद्वेलना पूरी होती है, तो वहां आहारक द्वि का सत्व नष्ट होगा तो उसको 143 प्रकृति का सत्व हो जाएगा स्वस्थान में। मतलब समझो वहां पर नहीं पल्ले प्रमाण आयु है ना, तो उसी भाव में उस वहां पर उद्वेलना पूरी हो सकती है, भोग भूमि में तीन पल्ले की आयु है, या स्वर्ग या नरक में जाते तो वहाँ सागरोपम की आयु है, तो एक भाव में वहाँ पर पल्ले मतलब उसका उद्वेलन पूरा होता है तो स्वस्थान में नष्ट हुआ ऐसा कहते हैं। फिर 143 का ये सत्ता वाला जीव ये स्वस्थान में कहेंगे, मतलब उसी भाव में हो गया तो हाँ एक पहले ये घटित करते हैं, फिर वही जीव जब पल्ले के असंख्यात भाग और आगे गया तो वह सम्यक्त प्रकृति का भी सत्व उद्वेलन पूरा हुआ तो 142 का सत्व रहेगा उसके पास में। हाँ
नहीं, वो आहारक द्वीप का जिस भाव में बंद किया वहाँ नहीं कर सकेगा, क्योंकि संख्यात वर्षायुष्क वाला जीव है ना, कर्म भूमि का, मतलब इस भाव में मतलब मुनि हुए और आहारक द्वीप का बंद किया और उसी भाव में वो मिथ्यात्व में गया, तो वहाँ उद्वेलन पूरा नहीं होगा। हाँ हाँ, शुरू करता है, प्रारंभ करता है। हाँ नहीं, यहाँ पर कोई मतलब वहाँ जा गया देवगति में या नरक गति में या भोग भूमि में, तो वहाँ स्वस्थान में वह उद्वेलना पूरी कर सकता है। यहाँ संख्यात वर्ष आयुष्क में पूरी नहीं होगी ना उद्वेलना, क्योंकि असंख्यात वर्ष चाहिए उसके लिए उद्वेलना पूरे होने। हाँ, उद्वेलना तो प्रारंभ करेगा लेकिन वह सत्ता पूरी नष्ट नहीं होगी, उद्वेलन पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसको पल्ले का असंख्यात भाग काल लगता है उद्वेलना पूरा होने में। हाँ हाँ, तो वहाँ पर उत्पन्न स्थान का अलग बताएंगे ना, यहाँ स्वस्थान और उत्पन्न स्थान ऐसे दो। अब वहाँ पर जाने के बाद उसने उद्वेलना पूरी की तो वो भी स्वस्थान में कहलाएगा ना, वहाँ गया और उसने उद्वेलना वापस चालू ही रखी वहाँ पर, और उसकी जब उद्वेलना पूरी हुई तो स्वस्थान में ही उसका 143 का सत्व हो गया। जब उत्पन्न होते समय 145 का था सत्व उसके पास में, या 144 भी हो सकता है, ऐसे वो आयु बंध की अपेक्षा से पुनः गड़बड़ हो जाती है, ये नाना जी उनकी अपेक्षा से कथन है सब। क्या वहाँ उत्पन्न मतलब जब उत्पन्न होते समय उतना सत्व था क्या उसके पास में? उत्पन्न होते समय हाँ उतना नहीं था सत्व। अब वापिस वो मनुष्य गति में आया तो उत्पन्न होते समय वो आहारक द्वीप की उद्वेलना हो करके आया तो वो उतना सत्व रह सकता है, मतलब देवगति में गया आहारक द्वीप की उद्वेलना की और फिर वापिस मनुष्य में आया तो उत्पन्न स्थान में आहारक द्वीप से रहित ऐसा सत्व स्थान हुआ उसका। उत्पन्न स्थान मतलब उत्पन्न होते समय कितना उसका सत्व रहता है और उसी भाव में वो आयु उद्वेलना करके फिर जो सत्व होता है स्वस्थान में सत्व ऐसा कहेंगे, उसी भाव में। यहाँ पर दिए देखो व्याख्या है नोट्स में, विवक्षित पर्याय में उद्वेलना के बिना या उद्वेलना होने से जो सत्व होता है वो स्वस्थान सत्व। हाँ हाँ, और उत्पन्न स्थान के उपयुक्त स्वस्थान सत्व के साथ आगामी पर्याय में उत्पन्न हुआ वहाँ पर जो सत्व होगा वह उत्पन्न स्थान में सत्व कहेंगे, मतलब जन्म के समय में उसका जो सत्व होगा तो उत्पन्न स्थान में सत्व कहेंगे। हाँ उत्पन्न स्थान कहलाएगा। हाँ उत्पन्न स्थान कहेंगे ना वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद फिर आहारक द्वीप की उद्वेलना हुई तो वो स्वस्थान सत्व हो गया, उत्पन्न होते समय तो उसकी सत्ता थी लेकिन बाद में वह सत्व नष्ट हो गया। हाँ नियम से मिथ्यात्व में आया कि वहाँ पर उद्वेलना प्रारंभ हुई उस परिणाम के निमित्त से होता है ऐसा। हाँ होगी ना उद्वेलना लगातार होगी, फिर सम्यक्त प्रकृति का सत्व नष्ट होता है तो उसको 142 का सत्व रहेगा, मिश्र प्रकृति का भी उसका उद्वेलन पूरा हो गया तो उसको और एक सत्व कम हो जाए तो 141 का सत्व रहेगा। हाँ अब यह जीव मतलब अपने स्वस्थान में जिस पर्याय में गया और वहाँ पर उसने उद्वेलना पूरी की तो क्रम से इस प्रकार स्वस्थान में सत्व उसका हो गया। अब यहाँ पर कोई जीव जो है 143 की सत्ता होकर के मर गया फिर दूसरे भाव में गया तो वहाँ पर उत्पन्न स्थान में 143 का उसको सत्व पाया जाएगा, मिश्र समेत प्रकृति की उद्वेलना होकर के मर गया तो 142 का होगा और 100 मिश्र का उद्वेलन होने के बाद उत्पन्न मतलब मर गया और उत्पन्न हुआ तो इसे 41 का उसको सत्व होगा, मतलब स्वस्थान में भी ये सत्व रह सकता है और उत्पन्न स्थान में भी ये सत्व रह सकता है। अब हाँ इतने काल में उसकी पूरी नहीं होती है समय तो की। हाँ 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 आर के उद्वेलना काल, फिर वो वेदक काल आता है, फिर वहाँ समय तो प्रकृति के उद्वेलना काल आता है। हाँ अब एकेंद्र पर्याय में गया
तो वहाँ एक केंद्र और विकेंद्रीय में एक साथ वहाँ पर ये चार, यदि इसमें से कोई भी सत्ता वाला जो वहाँ उत्पन्न हो सकता है तो उसके उत्पन्न स्थान में 145 भी हो सकता है, 143 भी हो सकता है, 142 भी और 141 भी। और वहाँ जाने के बाद फिर वह देव उद्वेक और नारक चतुष्क की उद्वेलना प्रारंभ करता है, तो वह भी क्रम क्रम से पूरी करेगा। तो जितने एकेंद्र पर्याय में तो कितना ही काल रह सकता है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल भी एकेंद्र पर्याय में वह रह सकता है। तो वहाँ उसकी देवद्विक और नारक चतुष्क की उद्वेलना पूरी हुई तो उसको कितना सत्व पाया जाएगा, पहले वह तीर्थंकर देवायु मनुष्य और नरकायु के बिना उसके पास कितना सत्व है, 144 का, तीन आयु नहीं ना। तेज का और वायु का एक में लिया है उसकी स्वस्थान में, मतलब एक केंद्र जो जीव है वो ये चारों में से कोई भी पैदा हुआ तो उत्पन्न स्थान में सभी उसका ये सत्व पाया जाएगा, या वहाँ पर जाने पर हुई तो वो स्वस्थान में पाया जाएगा। और वहाँ जाने के बाद वहाँ स्वस्थान में ही उत्पन्न स्थान में वह शुरुआत में नहीं होगा, तो देवद्विक की उद्वेलना करने के बाद उसके कितना रहेगा, 141 में से दो कम किए तो 139 का होगा। और हाँ उसका भी, फिर उसके बाद नारक चतुष्क की उद्वेलना पूरी होगी तो चार एक साथ, हाँ एक साथ चारों का करेगा, तो ज़्यादा प्रशस्त प्रकृति उसकी उद्वेलना पहले हो जाती है फिर अप्रशस्त की उद्वेलना होती है पूरी। तो यहाँ एक साथ चारों गए तो कितने रहे, 135 का सत्व रहेगा। इसको स्वस्थान में, मतलब वहाँ जाने पर ही इसकी उद्वेलना होगी ना, इसलिए स्वस्थान में कहा, लेकिन जब उत्पन्न स्थान में भी ये सत्व हो सकता है, एकेंद्र में से एकेंद्र गया और वहाँ पर जिसने देवद्विक की उद्वेलना की है उसका उत्पन्न स्थान में 139 का भी हो सकता है सत्व, और नारक चतुष्क की उद्वेलना पूरी होने के बाद 135 का भी सत्व हो सकता है। हाँ तो वहाँ बंद चालू हो जाता है कहाँ पर, हाँ वो जो जब मनुष्य गति में गया तो उद्वेलना नहीं होगी, बंद आरक द्विकी वगैरह हो सकती है, हाँ लेकिन वो तो लगातार चालू हो गया, और वो देवद्विक और नारक चतुष्क एकेंद्र और विकलत्र पर्याय में जब तक है तब तक ही उद्वेलना होगी, वापिस यदि पंचेंद्र पर्याय में उत्पन्न हुआ तो वो उद्वेलना बंद हो जाएगी, फिर वह अंतर्मुहूर्त के बाद वो देवद्विक का वगैरह बंद करने लगेगा, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में देवद्विक का बंद नहीं होता है, नारक चतुष्क का भी बंद नहीं होता है, पर्याप्त होने के बाद उसका वापिस बंद प्रारंभ होता है। और सत्वस्थान भंगाधिकार में आएगा ना, अपर्याप्त अवस्था में कितना सत्व है, फिर पर्याप्त अवस्था में वहाँ वापिस सत्व आ जाता है। कहाँ पर अभी वही बताया ना मैंने कि जब वो पर्याय है उसी ने उसके उस पर्याय के निमित्त से उद्वेलना होगी, पंचेंद्र में जाने के बाद वापिस उद्वेलना रुक जाएगी। हाँ वही बताए ना, वही वहाँ पर ही उद्वेलना होती है। हाँ तेजो का एक और वायु का एक में, तो ये इसमें से कोई भी जो उत्पन्न हो सकता है, हाँ उत्पन्न स्थान में उसके ये सब सत्व पाए जा सकता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वह क्या करेगा, उच्च गोत्र की उद्वेलना प्रारंभ करेगा, तो उच्च गोत्र की उच्छुति हो गई तो उसका कितना सत्व होगा, 134 का। और उसमें मनुष्य द्वी की उद्वेलना पूरी करेगा तब और दो का सत्व कम होगा तो 132 का सत्व हो जाएगा।
ऐसे वो आयु को छोड़ करके 131 का भी हो सकता है, वो आयु सहित लिया है ना, मनुष्यायु का बंध करता है, और यहाँ एक मनुष्यायु भी कम हो गया इसे, लेकिन वो विवक्षा नहीं लिए हैं इन्होंने, इसी में से कम कम करते गए हैं। तेज का एक और वायु का एक में मनुष्याय का भी बंध नहीं होता है ना, इसलिए और भी सत्ता कम होगी। वो सत्व स्थान भंगाधिकार में बराबर वो सब आएंगे स्थान, कितने कितने प्रकृति का सत्व है वह। तो इस प्रकार एक क्रम से उद्वेलना पूरा करता है, तो इसके तो स्वस्थान और उत्पन्न स्थान में सभी प्रकार का सत्व रह सकता है, और एकेंद्र विकलत्र में स्वस्थान में ये सत्व रहेगा, उत्पन्न स्थान में ये रहेगा, और तेजो का एक और वायु का एक में भी उत्पन्न स्थान में ये सब सत्व हो सकता है, और स्वस्थान में वहाँ जाने के बाद इसका उद्वेलन प्रारंभ करेगा, तो वहाँ पर 134 और 132 का सत्व होगा उसको। इन पर्यायों में उद्वेलन जो है, जहाँ पर जो बताया है एक इंद्रिय में जो बताया, वो आहार द्वीप की अभी उद्वेलना पूरी नहीं हुई है, मिश्र और संयुक्त की भी उसकी उद्वेलना पूरी हुई नहीं है, और वह एक इंद्रिय में गया तो उनकी उद्वेलना के साथ देव द्वीप की भी वह उद्वेलना और नारक चतुष्क की भी उद्वेलना प्रारंभ करेगा, और समाप्त क्रम क्रम से होगा उसका। और यहाँ पर उत्पन्न स्थान में एक इंद्र अधिक में ये भी सत्व ले सकते हैं नीचे का, 133 यहाँ 134 की जगह 133 करेंगे, क्योंकि उत्पन्न स्थान में सब जगह आयु एक कम करेंगे, कि जब उत्पन्न होता है तो उसमें एक ही आयु का सत्व रहता है, या अपने मूल में दो आयु ही कम किए, तीन आयु कम करनी पड़ेगी, तो 133 और 131 का भी सत्व एक इंद्रिय विकलत्र में पाया जाता है, तेज का एक और वायु का एक में से तिर्यंच पर्याय में ही जाता है, तो उत्पन्न स्थान में इसकी विच जिसने उद्वेलन किया है वह जो वह उत्पन्न हुआ एक इंद्र विकलत्र में या पंचेंद्र तिर्यंच में भी उत्पन्न हुआ, तो वह उत्पन्न स्थान में उसको 133 और 131 का सत्व रह सकता है। नहीं, वह जीव उच्च गोत्र की उद्वेलना किया तेज कायिक और वायु कायिक में, और वहां से निकल करके वह एकेंद्र में विकलत्र में या पंचेंद्र तिरंच में उत्पन्न हुआ, तो उसके उत्पन्न स्थान में 133 का सत्व रहेगा। यहाँ 134 मतलब बद्ध मनुष्यायु या बद्ध पकड़ करके लिया हुआ है, इतना सत्व ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है वो लिया है, लेकिन उत्पन्न स्थान में सब जगह एक आयु कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वह आयु का बंध तो हुआ नहीं है। हाँ, तो उत्पन्न स्थान में वहाँ तेज का एक और वायु का एक मरण करके एक केंद्र विकलत्र या पंचेंद्र तिरंच में गया, तो उत्पन्न स्थान में ये भी सत्व हो सकता है ना उनको एक। नहीं, वही मैंने बताया ना कि वह जो तेज का एक वायु का एक जिसने उच्च गोत्र की उद्वेलना की और वह मरण करके एक केंद्रीय पर्याय में उत्पन्न हो, दूसरे एक केंद्र में या विकलत्र में उत्पन्न हुआ, तो उसको उस उत्पन्न स्थान में वह सत्व पाया गया ना, सत्व पाया गया 133 का। हाँ, 134 में से एक आयु कम करना 133 का। हाँ, नहीं बांधिया और तिर वो बांधेगा तो भी तिरंचायु बांधेगा ना, मनुष्य बांध ही नहीं सकता है, इसलिए 133 ही लेना चाहिए वहाँ पर। वास्तव में देखा जाए ना, यहाँ पर भी वो उच्च गोत्र की उद्वेलना होने, हाँ इधर 133 और 131 ही लिया, इधर 133 और 131 ही करना चाहिए, क्योंकि तेज का एक और वायु का एक में मनुष्यायु का बंध ही नहीं होता है ना, इसलिए 133 और 131 ही करना है, और फिर मनुष्य द्वीप की बाद में हुई। यह तेज का एक और वायु का एक में दिया ना कोष्टक में, वो 145 वगैरह सब में से एक एक कम की है, उसके उत्पन्न स्थान में तेज का एक और वायु का एक में 144 142 141 सब में से एक एक कम करके दिया है सत्व, क्योंकि उसमें मनुष्य का सत्व नहीं है तेज का एक और वायु का एक में, और उत्पन्न स्थान में वह आयु का बंध भी नहीं होता है, इसलिए वो 144 142 141 140 138 134 और नीचे उच्च गोत्र की उद्वेलना 133 और मनुष्य द्वीप की उद्वेलना होने पर 131 करना। नहीं होगी, केवल तेजो का एक और वायु का एक में ही होगी उसकी उद्वेलना,
और वो मतलब इतने हीन परे मानी जाती है कि वो मनुष्य नहीं हो सकता है। तेज का एक और वायु का एक में जाने के बाद उसकी उद्वेलना होती है। बराबर है। तो इंद्रिय मार्गणा में अपने देखा तो उसमें एक इंद्र से लेकर चतुर इंद्र तक सत्व कितना रहेगा, 145 का। तीन का असत्व रहेगा, तीर्थंकर, नरकायु और देवायु। ये तीन का सत्व एक इंद्रिय में विकलत्रय में नहीं होगा। और काय मार्गणा की अपेक्षा से देखेंगे तो पृथ्वी, पानी और वनस्पति, इन तीन में 145 का सत्व होगा और तीन का असत्व होगा, तीर्थंकर, देवायु और नरकायु। और तेज का और वायु का एक में कितना सत्व होगा, और एक कम करेंगे मनुष्यायु का, तो 144 का सत्व होगा। ये और त्रस में गए तो वहाँ 148 पूरा सत्व है। पंचेंद्र में भी 148 का सत्व है, त्रस पर्याय में भी 148 का सत्व है। 200 पेज नंबर है नोट्स में, उसमें चार्ट दिया हुआ है। और एक केंद्र से चतुर्द्र तक दो ही गुणस्थान है। पहले गुणस्थान में 145 का सत्व होगा, दूसरे गुणस्थान में दो कम मतलब आहार द्वीप का छोड़ करके 143 का सत्व होगा। क्योंकि वहां पर कोई मतलब आहार द्वीप का बंद करके वो दूसरे गुणस्थान में आता नहीं, ऐसा बताए ना। तो एक केंद्र में भी पैदा होगा तो वहां 143 का सत्व उसको नहीं होगा। प्रारंभ तो सभी का करता है, सब बताए ना, पूर्णता नहीं होगा तो मतलब उच्च गोत्र की उद्वेलना प्रारंभ तो करेगा वह तेज काय और वायु काय में जाने के बाद। पहले सभी के अभी उद्वेलना पूरी नहीं हुई है, फिर भी वहाँ तेज का एक और वायु का एक में गया तो उन्हीं प्रकृति के साथ में उच्च गोत्र मनुष्य द्वीप का भी उद्वेलना प्रारंभ होगी, लेकिन पूर्णता क्रम क्रम से होगी वहाँ पर। ऐसे होगी, उस पर्याय के निमित्त से उद्वेलना प्रारंभ होती है। अब आगे इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा पूरी हो गई, अब आगे योग मार्गणा आएगी। अभी अपने उद्वेलना का यहाँ उद्वेलना संक्रमण किन किन प्रकृतियों का होता है और कहाँ कहाँ पर होता है ये देखा था। तो उसमें उत्पन्न स्थान और स्वस्थान कहाँ, तो उसमें इतना ही लगाना खाली, उसी पर्याय में जिन मतलब जिसका उद्वेलन होता है, जैसे तेजो का एक वायु का एक में ही उच्च गोत्र और मनुष्य गति का होगा तो वहाँ पर वह स्वस्थान एक है एक सत्व कहा जाएगा। और जब विवक्षित पर्याय में उत्पन्न हुआ तो जिस सत्ता के साथ वह उत्पन्न हो सकता है उसको उत्पन्न स्थान में सत्व कहेंगे। अब इसलिए सभी प्रकार का सत्व स्वस्थान में भी हो सकता है और उत्पन्न स्थान में भी हो सकता है, ये यहाँ पर बताए ना। तो जैसे आहारक द्वीक और पहले चार हैं वो चतुर्गति का मिथ्या दृष्टि जीव अपने अपने स्थान में उसका सत्व उद्वेलन संक्रमण पूरा कर सकता है तो स्वस्थान में वह सत्व हो गया। अब वही जीव उसी चार गति की मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न हुआ उसी सत्ता के साथ में तो उत्पन्न स्थान में वह सत्व कहा जाएगा। अब एकेंद्र विकलत्रय में जो है वहां पर देवद्विक और नारक चतुष्क का उद्वेलन किया तो उसने स्वस्थान में उसका उद्वेलन किया और उस सत्ता के साथ वह चारिकत्वों में या एकेंद्र विकलत्रय पर्याय में उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न स्थान में वह सत्व कहा गया। मतलब वह दोनों सत्व स्वस्थान में भी पाए जाएंगे और उत्पन्न स्थान में भी पाए जाएंगे। ऐसे तेजो कायिक और वायु कायिक में भी जो दो उच्च गोत्र मनुष्य द्विक की वह उद्वेलना करता है तो स्वस्थान में उसने उद्वेलना किया अपने पर्याय में उस विवक्षित पर्याय में, फिर वह उसमें भी तेज कायिक और वायु कायिक एक भाव में नहीं होगा। मतलब तेज कायिक तेज कायिक तेज कायिक वायु कायिक ऐसा बार बार हुआ
अनेक पर्याय में मिलकर करेगा, क्योंकि उसका भी उसकी जो आयु है वो संख्यात वर्ष में ही है, इसलिए वो भी अनेक तेज काय की पर्याय में करेगा वह। तो जिस पर्याय में वह सत्व कम हो, मतलब उद्वेलन पूरा हुआ तो वह स्वस्थान में हो गया, और उस सत्ता सहित वह अगले पर्याय में उत्पन्न हुआ तो उसको उत्पन्न स्थान में सत्व कहेंगे। तो सभी जीवों के सभी इसमें वो ये स्वस्थान, केवल वहाँ पर चार गति का जो मिथ्या दृष्टि उसमें स्वस्थान में नीचे का सत्व नहीं होगा, ऊपर का जो स्वस्थान में भी होगा और उत्पन्न स्थान में भी होगा, और नीचे का जो है उत्पन्न स्थान में हो सकता है उसको, चार गति वाले स्वस्थान में नहीं हो सकता है। फिर उत्पन्न स्थान होने के बाद वापिस वो बंद करना प्रारंभ कर देगा ना उस पर्याय में जाने के बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में, मतलब ये जो नीचे के चार देवद्वीक और नारक चतुष्क का उद्वेलन किया हुआ जीव यदि मनुष्य गति में पैदा हुआ तो उत्पन्न स्थान में वह सत्व पाया गया उसको, लेकिन बाद में वह पर्याप्त होने के बाद वापिस देव और नारक का बंध करने लगेगा, इसलिए स्वस्थान में उसको वह सत्व नहीं पाया जाएगा। उसके उस पर्याय में उसके उद्वेलना होने की योग्यता नहीं ना, तो वहाँ वह स्वस्थान में नहीं होगा, उत्पन्न स्थान में वह सत्व हो सकता है। हाँ, स्वस्थान में एक केंद्र और विकलत्रय को होगा, लेकिन बाकी पंचेंद्रिय जीव जो है उसको उत्पन्न स्थान में वह सत्व होगा अपर्याप्त अवस्था में, फिर पर्याप्त अवस्था में वापिस उसका बंद होने लगेगा। हाँ, स्वस्थान और उत्पन्न दोनों बताए ना उसको, स्वस्थान में भी हो सकता है और उत्पन्न स्थान में भी हो सकता है। हाँ, वो एकेंद्र और विकलत्रय में दोनों स्वस्थान होंगे, लेकिन वो परस्थान उत्पन्न स्थान में पाए जाएंगे इसमें मनुष्य गति में या नर इसमें नरक गति में वगैरह, लेकिन तिरेंच गति में पाया जाएगा, लेकिन एकेंद्र और विकलत्रय में वो स्वस्थान होगा, उत्पन्न स्थान आने पर में भी होगा वो सत्व। ऐसे तेजुकायिक और वायुकायिक में ही उच्च गोत्र और मनुष्य द्विकीय उद्वेलना होती है, तो वहाँ स्वस्थान में वह सत्व पाया जाएगा, और उत्पन्न स्थान में वो मर करके तिरेंच में जाएगा, वहाँ तो मनुष्य गति में वह सत्व उत्पन्न स्थान में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि तेज कायिक और वायुकायिक मरण करके तिरेंच गति में पैदा होते हैं, इसलिए उत्पन्न स्थान में पंचेंद्र तिरेंच में भी वह सत्व वहाँ से हो सकता है, या अन्य एकेंद्र में भी हो सकता है, या विकलत्रय में भी वह उत्पन्न स्थान में हो सकता है। ये सब सत्व स्थान भंगाधिकार में आएगा, बहुत एकदम रुचिकर लगता है वो सत्व स्थान भंगाधिकार आता है ना, मतलब एक एक जीव के पास कितनी सत्ता है, मतलब ये सत्व को जानने से हमें ये लाभ है कि अपने पास में कितने शत्रु छिप करके बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं ना, ये पता ही नहीं हमको, कभी भी कोई आकर के हमें ये कर सकता है, वार कर सकता है हमारे ऊपर। वो महाराज जी का वाक्य है ना, कभी मतलब ये विचार करना चाहिए कि आज मरण व्याधि शोक इसमें से कौन अपने ऊपर घाला, हाँ, कौन अपना घात करने वाला है, कोई भी आ सकता है उदय। सत्ता में सो छुपे रुस्तम बोलते हैं, मतलब उसमें बैठे हुए हैं शत्रु। अब आगे चलते हैं, अभी बताएं क्या किस युगपत कैसे प्रारंभ हो सकता है। अब पंचेंद्र जीव जो है वह हरक द्विकी चालू करेगा उद्वेलना, तो वहाँ नीचे की हो सकती है क्या, देवद्विक नारक चतुष्क और उसके नहीं हो सकती है, तो पंचेंद्र पर्याय में वो चारों की एक साथ करेगा आहारक द्विक और उसके, ऐसे आहारक द्विक भी बोलते हैं, वास्तव में आहारक चतुष्क बोलना चाहिए। 148 प्रकृति में से जब अपन देखते हैं ना, वास्तव में आहारक चतुष्क बोलना चाहिए वहाँ। हाँ, वो ऐसे आदत बड़ी है सब, तो ऐसे देखे तो फिर उद्वेलन प्रकृति वो 113 से ज़्यादा हो जाएगी ना, 15 हो जाएगी वो, क्योंकि वहाँ आहारक उसका भी आएगा फिर उसमें देव देख, तो मतलब उसमें ही केवल दो ज़्यादा आएगी आहारक चतुष्क में ही। हाँ, चतुष्क पकड़ के 148 होते हैं, इसलिए कह रहे हैं ना कि हमको भी ये शंका होती है कि वहाँ पर फिर वो सत्व चार का एक साथ कम करना चाहिए, वो दो का ही करते हैं ना, वो चार का करना चाहिए इसे। चलो।
352 नंबर गाता है। पुण्यकार सजोगे सहारय मिसगे विष गुणोघम वेगो वियमिसेविय नवरिण माणुस तिरिखाऊ। पर्याप्त के योग कितने होते हैं? 15 योग में पर्याप्त के 11 योग है और अपर्याप्त के 4 योग हैं। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक का योग, वैकरिक का योग और आहारक का योग, ये पर्याप्त योग कहलाते हैं। और औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र, आहारक मिश्र और कर्मण का योग, ये अपर्याप्त अवस्था के योग हैं। तो पर्याप्त के जो 11 योग है उसमें साहारय मिसगेवी सगुणोघम, उसी प्रकार मतलब वो साधारण है 11 योगों में, नहीं आहारक मिश्र से सहित ऐसा लेना है, इसमें अपने अपने गुणस्थान के समान लगाना। वेगोवियम सेव्य, वैकरिक मिश्र में भी गुणस्थान के समान है, अपने अपने जितने गुणस्थान है उसके समान है। नवरे, उसमें विशेषता ये है कि वहाँ मनुष्याय और तिर्यंचाय दोनों का सत्व नहीं पाया जाएगा, क्योंकि देव और नरक गति में बद्यमान की अपेक्षा से तिरेंच और मनुष्य दो का सत्व पाया जाता है, लेकिन वैकरिक मिश्र का योग में आयु का बंधन नहीं होता है, इसलिए वहां पर मनुष्य और तिरेंच का सत्व नहीं पाया जाएगा। वैकरिक का योग में पाया जाएगा, लेकिन वैकरिक मिश्र का योग में नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर मनुष्य में क्या है, औदारिक मिश्र लब्ध पर्याप्तक में वहां आयु का बंध होता है, तो अन्य आयु का बंध वहां संभव है, लेकिन यहाँ पर वैकरिक मिश्र में आयु का बंध नहीं होता है, इसलिए वहाँ मनुष्य और तिरंच आयु का सत्व नहीं होगा। तो उसमें 4 मनोयोग में कितना सत्व रहेगा, 148 का पूरा, वचन योग में भी 148 पूरा सत्व रहेगा, औदारिक का योग में भी 148 का सत्व रहेगा, और आहारक और आहारक मिश्र का योग में 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि जिसने नरकाय और तिरंचाय बांधी है वह सकल संयम को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसमें 146 का सत्व रहेगा। और आहारक मिश्र का योग कहाँ होता है, छठे गुणस्थान में होता है, और छठे गुणस्थान में 146 का सत्व है, तो इसलिए अपने गुणस्थान के समान लगाना। और वैकरिक औदारिक मिश्र का योग में भी 146 का ही सत्व रहेगा, क्योंकि वहाँ पर देवाय और नरकायु इन दो का सत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि औदारिक मिश्र का योग किन में पाया जाता है, मनुष्य और तिरंच में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर मनुष्य और तिरंचायु का सत्व पाया जाएगा, लेकिन देवाय और नरकायु का सत्व कभी भी औदारिक मिश्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि औदारिक मिश्र में एक तो आयु का बंध नहीं होता है, लेकिन लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से आयु का बंध होता है, लेकिन वो मनुष्य और आयु और तिरंचायु का ही बंध करेगा, देवायु और नरकायु का बंध नहीं करेगा लब्ध पर्याप्तक जीव। इसलिए आहारक मिश्र का योग में कितने, औदारिक मिश्र का योग में 146 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। वैकरिक मिश्र का योग में कितना पाया, वैकरिक का योग में 148 का पूरा सत्व रहेगा, लेकिन वैकरिक मिश्र का योग में अभी बताया था मनुष्य और तिरंचायु का सत्व नहीं रहेगा, नारकी की अपेक्षा से नरकायु रहेगी, देव की अपेक्षा से देवायु रहेगी, तो उसमें भी 2 आयु कम करना, लेकिन मनुष्य और तिरंचायु कम करना, तो 146 का सत्व रहेगा वैकरिक मिश्र का योग में। और कर्मण का योग में सभी प्रकार का सत्व रहेगा, क्योंकि चारों गति के जो कर्मण का योग में होंगे ना, इसलिए चारों प्रकार की आयु का उदय वहाँ चालू होता है, तो सभी प्रकार का सत्व कर्मण का योग में पाया जाता है, नाना जीवों की अपेक्षा लगाना। अब इसका जब गुणस्थान की अपेक्षा से लगाएंगे तो सामान्य गुणस्थान के समान ही औदारिक का वचन मनोयोग, वचन योग और औदारिक का योग में गुणस्थान के समान ही सब लगेंगे, 12 गुणस्थान और 13वां गुणस्थान तक होते हैं। और वैकरिक का योग में देव और नरकी का मिला करके लेना है, तो आप केवल दूसरे गुणस्थान में 3 नहीं होंगे, तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर नहीं होगा, यह हमेशा का नियम वहां लगेगा, बाकी कुछ विशेषता नहीं है। वैकरिक मिश्र का योग में भी वैसा ही होगा, लेकिन वैकरिक मिश्र का योग में 146 का सत्व रहेगा, और दूसरे गुणस्थान में वहां पर नरकायु का भी ये करना, असत्व करना, क्योंकि दूसरे गुणस्थान को लेकर के नरक में गमन नहीं करता है, इसलिए वैकरिक मिश्र का योग का देखना, वहां पर
वैक्रेक मिश्र का योग जो है उसमें सत्व 146, गुणस्थान मिथ्यात्व उसमें सत्व पूरा 146 का रहेगा, सासादन में 4 का सत्व रहेगा, आणि वैक्रिक आयोग आहे तसं वैक्रिक मिश्र आयोग आहे त्याच्याच बाजूला. तीर्थंकर आरोग्विक का सत्व नाही होत यार, नरकायु का भी सत्व नाही होगा, क्योंकि नरगती में दूसरा गुणस्थान लेकर के जाता नहीं है इसलिए. और चौथे गुणस्थान में 40 का मिथ्यात्व गुणस्थान में वहां एक तीर्थंकर का सत्व नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वहां पर? क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान लेकर के यहाँ आता नहीं, मनुष्य में आता है तो तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता से जीव वह केवल नरक में जाते समय रहता है मनुष्य में, और नरक में ही जाने के बाद वैकृत मिश्र कायोग में रहेगा पहले गुणस्थान में, इसलिए वैकृत मिश्र कायोग में वह तीर्थंकर नहीं निकाला. लेकिन औदारिक मिश्र कायोग में पहले गुणस्थान में उसका असत्व रहेगा तीर्थंकर प्रकृति का. नहीं नहीं, वैकृत मिश्र कायोग में वो दो आयु नहीं होगी, बराबर है 146 है, लेकिन पहले गुणस्थान में तीर्थंकर का असत्व नहीं किया, क्योंकि वह नरक में जाने के बाद वैकृत मिश्र कायोग रहेगा. और मनुष्य में जो तीर्थंकर प्रकृति सत्ता सहित मिथ्यात्व में आता है वो मरण के अंतिम अंतर्मुहूर्त में आता है, वापिस नरक से यहाँ आएगा तो सम्यक्त्व को लेकर आएगा तीर्थंकर की प्रकृति सत्ता सहित जीव, उसमें मिथ्यात्व में गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान में आने की आवश्यकता नहीं है. हाँ, तो तीर्थंकर की प्रकृति ने सहित असलेला जीव वीर, इसलिए पहले गुणस्थान में औदारिक मिश्र में क्या करेंगे, तीर्थंकर का असत्व, और सत्व कितना 145 का, क्योंकि 146 का सत्व है उसमें से एक कम हुआ, फिर आसादन में वापिस तीर्थंकर और आहारक द्विक दो निकालेंगे तो 143 का सत्व और असत्व 3 का, फिर असंयत में 146 का सत्व रहेगा, क्योंकि सभी की सत्ता सहित वह चौथे गुणस्थान में पाया जाता है, मतलब तीर्थंकर और आहारक द्विक की सत्ता सहित होता है. और औदारिक मिश्र का योग 13वें गुणस्थान में होता है तो वहाँ 85 प्रकृति का सत्व रहेगा और 61 प्रकृति का वहाँ असत्व रहेगा, क्योंकि वहां पर जो 13वें गुणस्थान में 63 प्रकृति का नाश करता है ना, वहां बताया था, तो 63 प्रकृति में से नरका और देवायु पहले निकाली हुई ना यहाँ पर 146 में, इसलिए 61 आई वहां पर, नहीं तो आनी कितनी चाहिए 63 13वें गुणस्थान की अपेक्षा. लेकिन 146 में से 85 कम किए तो कितने रहे, 61 प्रकृतियां रही. आए ना ध्यान में, औदारिक मिश्र का योग में. और कार्मण का योग में क्या होगा, पहले मिथ्यात्व गुणस्थान 148 पूरा सत्व रहेगा, क्योंकि नरक में जाते समय या नरक से यहाँ आते मतलब नरक में जाते समय ही लेना, एक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित पाया जाएगा पहले गुणस्थान में, इसलिए 148 का, हाँ पहले नरक में 148 का पूरा सत्व रहेगा, सासादन में फिर वापिस 4 कम हो जाएंगे, नरकायु तीर्थंकर और आहारक द्विक, क्योंकि दूसरा गुणस्थान लेकर के नहीं जाता है. और चौथे गुणस्थान में वापिस 148 का पूरा सत्व पाया जाएगा, और 13वें गुणस्थान में 85 का सत्व रहेगा और 63 का असत्व, 148 है ना इसलिए 63 असत्व में आ गया. वहाँ मूल में ही 146 है इसलिए वह 61 प्रकृतियां बताइए. हम नरक की अपेक्षा ही बताए ना. इस प्रकार योग मार्गणा में सब हो गया. आरक और आरक मिश्र का योग में तो केवल प्रमत्त संयत 6 गुणस्थान है, तो जितना वहाँ सत्व बताया वो पूरा लेना, वहाँ 146 का बताए ना. हाँ, 85 का सत्व रहेगा और 61 का असत्व बताया, तो वास्तव मूल में 13वें गुणस्थान में 63 का असत्व है, लेकिन यह 61 को लिया क्यों लिया वो बताया मैंने, क्योंकि वह मूल में दो आयु को निकाला है नरकायु और देवायु को, इसलिए 61 प्रकृतियों का सत्व रहेगा.
यहाँ पढ़ा अपन ये 352 नंबर गाथा व 353 नंबर गाथा में वही विशेषता बता रहे। ओराल मिस जोगे ओगम सुर निरय आओगम नत्ती तम मिस वाम गे नहीं तिथम कम मे विष गुण घम। ओराल मिस जोगे औदारिक मिश्र का योग में ओघम मतलब ओघ के समान है, उसमें विशेषता क्या है, केवल देवायु और नरकायु नहीं है, सूरग सूर निरय अवगम नथी। तम मिस वामे वामगे उस अवदारिक मिश्र कायोग के मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं तिथम पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। कम में भी सगुणोगम कर्मण कायोग में भी अपने अपने गुणस्थान के योग्य समझना। इसमें ये बताए नहीं कि दूसरे, वो तो पहले बताए हुआ है ऐसा नियम, नरकायु नहीं है दूसरे गुणस्थान में। अब आगे 354 नंबर गाता है। वेदा दाहारोत्तिय सगुणोगम नवरी संडथी खवगे किन्न दुग सुहतिलेस्य वामे विनतित्थयर सत्तम। वेदात आहारोत्तिय वेद मार्गणा से लेकर आहार मार्गणा पर्यंत सगुणोघम अपने अपने गुणस्थान के समान सामान्य लगाना है। नवरी संड थी खवगे विशेषता जो है वो बताएंगे अब एक दो गाथा में, मतलब सब सभी मार्गणा एक साथ ले ले वेद से लेकर आहार तक। अब वेद में जो स्त्री वेद का आएगा और नपुसक वेद उसके क्षपक में और किन्न दुग सुहतिलेस्य वामे भी न तिथरे सत्तम। स्त्री वेद के क्षपक श्रेणी पर तीर्थंकर का सत्व नहीं रहेगा, तो जब अपन स्त्री वेद का घटित करेंगे वहां पूरा 148 का सत्व है, पुरुष वेद में भी 148 का सत्व है, नपुसक वेद में भी पूरा 148 का सत्व है, लेकिन जब अपन गुणस्थान गठित करेंगे वह शपक मतलब आठवें गुणस्थान में जाने के बाद वह स्त्री वेद वेदी होगा तो वह तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होगा। और नपुसक वेद में भी वह शपक में तीर्थंकर का सत्व नहीं होगा। उसी प्रकार हाँ बरा जब बंद किया उस समय है उसकी सत्ता, फिर आगे नहीं है। किन्न दुग सुहतिलेस्य वामे भी उसी प्रकार कृष्णलेशा और नीलेशा उसके अपर्याप्तावस्था में मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होगा। केवल कापोतलेशा की अपेक्षा से पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, क्योंकि पहले नरक में जाता है तो यहाँ कापोतलेशा ही होती है पहले अंतर्मुहूर्त, और वहां जाने के बाद भी एक कापोतलेशा ही है, तो पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व केवल कापोतलेशा में पाया जाता है, अन्य किसी लेशा में पहले गुणस्थान में तीर्थंकर का सत्व नहीं पाया जाता है। इसलिए कृष्णलेशा नीलेशा और शुभ तीन लेशा में वाम वाम मतलब मिथ्या दृष्टि, तो उसमें मिथ्या दृष्टि में भी तिथर सत्तम तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, इसलिए एक एक कम करना इसमें वहां पर पहले गुणस्थान में तीर्थंकर मतलब उस सत्ता से रहित ही लेंगे वहां। मतलब कृष्ण रेशा में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होता है लेकिन चौथे गुणस्थान में होगा, पहले गुणस्थान में नहीं होगा, तो पहले गुणस्थान में उसको असत्व में डालेंगे तीर्थंकर प्रकृति को। वहां भी कौन सी अपनी क्रम से चलते हैं अपन मार्गना में, इन्होंने तो एकदम इसका बताया। वेद में तीनों वेदों में 148 सत्व रहेगा, और कषाय मार्गना में भी संपूर्ण 148 का सत्व सभी कषाय में रहेगा। ज्ञान मार्गना में कुमति कुश्रुत में भी 148 का पाया जाएगा, क्योंकि वहां पहले गुणस्थान में तीनों का सत्व है। और मति श्रुतावधि में भी 148 का सत्व रहेगा। मन परे ज्ञान में दो का सत्व नहीं होगा, मन परे ज्ञान में आराध्य का सत्व पाया जा सकता है नरकायु और तिरेंचायु,
जिसने बांधे वो जाएगा नहीं ना आगे। तो छठे गुण स्थान में 146 का ही सत्व है ना, वही सत्व रहेगा उसको, और केवल ज्ञान में 85 का सत्व। फिर संयम मार्गणा में 203 पेज पर है वो, संयम मार्गणा में तिथस धरा एक 5 मिनट। संयम मार्गणा में जो भेद है, असंयम पहले लिया, असंयम में 148 का सत्व पूरा रहेगा, क्योंकि 1 से 4 गुण स्थान आते तो उसमें 148 का सत्व पाया जाता है। देश संयम में नरकायु का सत्व नहीं होता है, क्योंकि नरकायु को जिसने बंद किया वो 5 गुण स्थान में नहीं जाता है, तो वहाँ 147 का सत्व आएगा। सामयिक और छेदोपस्थापना संयम में नरकायु और तिरेंचायु देवायु का बंद किया वो जा सकता है ना, इसलिए नरकायु और तिरेंचायु का सत्व नहीं रहेगा, तो 146 का सत्व और 2 का असत्व रहेगा। परिहार विशुद्ध संयम में भी वहां 2 का सत्व नहीं रहेगा, नरकायु और तिरेंचायु का। सूक्ष्म सांप्राय मतलब 10वां गुणस्थान आ गया ना, तो 9वें गुणस्थान में जो इच्छुति हुई उसके बाद जो 10वें गुणस्थान में सत्व बताया है, कितना बताया, 102 का सत्व है और 46 का असत्व है, क्योंकि 36वां विच्छुत्ति हुई और 10 की पहले हुई है विच्छुत्ति, तो 40 का असत्व है आशा पक्षण की अपेक्षा से है। और यथाख्यात संयम में 11वें गुणस्थान की अपेक्षा 146 और 138 लिया 11वें गुणस्थान में है ना, और 12वें गुणस्थान में 101 का सत्व पाया जाएगा। आगे ज्यादा से ज्यादा जितने वो बताते हैं ना, और फिर वहां 146 का जा सत्व है वहां 2 का सत्व रहेगा, 138 का जा सत्व है शायिक समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो 138 का सत्व पाया जाएगा तो 10 का सत्व रहेगा, और जिस शपक श्रेणी पर आरोहण किया हुआ जो 12वें गुणस्थान में जाएगा तो वह उसको 47 का सत्व और 101 का सत्व पाया जाएगा। हाँ न करते, अनंतानुबंधी का उपशम भी नहीं करता है वहां पर, करण परिणामों के द्वारा अनंतानुबंधी का उपशमन नहीं होता है उसमें, केवल हाँ उदयाभाविक क्षय ही होगा उसमें, उदय का ही अभाव होगा, और जो 3 दर्शन मोने उसका उपशम करता है, लेकिन ये एक आचार्य की अपेक्षा से, और दूसरे बुद्ध बले आचार्य की अपेक्षा से विसर्जनक किए बिना द्वितीय उपशम समेत तो की उत्पत्ति नहीं बताई है, पहले 4 अनंतानुबंधी की विसर्जना करके फिर 3 दर्शन मोनी की उपशमना करता है ऐसा दिया है। हाँ वो भी 142 का भी आएगा, लेकिन यहाँ उसकी विवक्षा नहीं ली उन्होंने, 146 शाही समय दृष्टि 138। इस प्रकार ये संयम मार्गणा में ये बताया, वहां पर बाकी संयम मार्गणा में तो अपने अपने गुणस्थान के समान सत्व 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 इच्छुति लगाना है, यथा क्या संयम में भी वैसा ही है, थोड़ा केवल गारेव गुणस्थान का इसमें दिया है, बाकी विशेषता कुछ नहीं है। ऐसे क्षीण मोह मतलब उपशांत मोह में 146 का सत्व और वहाँ 2 का असत्व, मतलब 146 का ही समझो वहाँ पर सत्व रहता है, और 138 का सत्व और वहाँ 8 का असत्व बताया, मतलब देवायु अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोह 3, नरकायु और उसकी तो वहाँ पर है ही नहीं ना सत्ता, इसलिए वो ली नहीं उन्होंने। नरकायु और तिरेंचायु का जिसका सत्ता है वो ऊपर चढ़ता ही नहीं ना, तो 146 का मूल में ही लिया है, इसलिए वहाँ सत्व में असत्व में 0 बताया और असत्व में 8 बताया, नहीं तो 10 और 2 और 10 बताना चाहिए था ना इसे, कि मूल में सत्व 146 लिया है इसलिए वो 0 लिया असत्व में। हाँ यथा क्या संयम में मतलब ज्यादा से ज्यादा 146 का ही सत्व रहता है, उसमें से असत्व कुछ नहीं है वहाँ उपशांत मोह में, या शायिक समय दृष्टि तो 138 का असत्व रहेगा तो 8 का असत्व रहा, फिर क्षीण मोह में 101 का सत्व और 45 का असत्व, 16 की विच्छुत्ति होगी, फिर 13वें गुणस्थान में ये खालसा
तेरहवें गुण स्थान में 85 का सत्व, 61 का असत्व, वही 61 क्यों लिया, 146 मूल में लिया है इसलिए, हाँ विच्युति झेरो। चौदहवें गुण स्थान में द्विचरम समय में 85 का सत्व और 61 का असत्व और 72 की विच्युति होगी वहाँ पर, और चरम समय में 13 का सत्व, 133 का असत्व और विच्युति 13 की ही होती है। सगा 72 प्रकृति का नाश होने के बाद 72 और 61 कितने हो गए, 61 और 72 को मिलाया तो 133 हो गए, और 13 का यहाँ सत्व इच्छुति होगी। चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन और अवधि दर्शन में सभी प्रकार का सत्व पाया जाएगा, केवल दर्शन में 13वें और 14वें गुणस्थान की समान लगेगा, 85 का सत्व और 63 और उसका असत्व रहेगा। हाँ ऐसे में नरकाय और तिरंचाय पहले ऊपर ही 146 सत्व योग्य लिखा है ना उसमें। अब लेशा मार्गणा, लेशा मार्गणा में 6 लेशा में सत्व 148 रहेगा, केवल अभी जो विशेषता गुणस्थान की अपेक्षा बताई वह समझना। कृष्ण और नील लेशा में पहले गुणस्थान में सत्व कितना रहेगा, 147 और असत्व एक तीर्थंकर, इसका सत्व एक तीर्थंकर का असत्व रहेगा। सासादन में क्या होगा, वापिस तीर्थंकर और आहारक दोनों का असत्व होगा। तीसरे गुणस्थान में केवल एक तीर्थंकर का असत्व, तो 147 का सत्व रहेगा, और असंयत में 148 का पूरे का सत्व रहेगा। और कपोतलेशा में वहाँ पहले गुणस्थान में क्या होगा, असत्व कुछ नहीं होगा, वहाँ पर तीर्थंकर का भी सत्व रहेगा। इतनी विशेषता है, बाकी कुछ विशेषता नहीं है। और तेज पद्मलेशा में भी वहाँ 148 का सत्व है, लेकिन पहले गुणस्थान में एक तीर्थंकर प्रकृति का असत्व करेंगे, बाकी सब गुणस्थान के समान लगाना वहाँ पर। भव्य मार्गणा में दर्शन झाले क्या साई लगी सगळं, दर्शन मार्गणा में तो सब सरल है ना, गुणस्थान के समान ही लगाना है। और लेशा मार्गणा के भी बताए ना, कृष्ण विशेषता इतनी है, वहाँ पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का असत्व रखना, कृष्ण नीलेशा, तेज पद्मलेशा और शुक्ल लेशा में, बाकी सब गुणस्थान के समान ही लगाना है। अशुभ का लेशा में जाएगा, भुवन वात्रिक में क्यों जाएगा, वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव ना, तो ऊपर ही जाएगा ना वहाँ नियम से। अब भव्य मार्गणा, भव्य मार्गणा में 148 का पूरा सत्व पाया जाएगा, लेकिन अभव्य मार्गणा में क्या होगा, वहाँ पर अभव्य जीव को कभी भी सम्यक तो नहीं होगा, तो ऊपर वह आरक द्वीप का भी बंधन नहीं करेगा, तो तीर्थंकर मिश्र सम्यक तो और आहारक द्विक, आरक चतुष्क या लिया चतुष्क, हाँ अभी तक आरक, हाँ मतलब एक कभी भी बंधक किया ही नहीं ना इसका, इसलिए वो आरक चतुष्क ले लिया, वह बंधक किया हुआ है और उसका उद्वेलन करता है, तो वहाँ उन्होंने कई कई आरक चतुष्क लिया है आगे वहाँ पर भी। तो सत्ता में 7 प्रकृतियों का सत्व नहीं रहेगा उसके अभव्य जीव को। नहीं नहीं, बंद भी चारों का होता है, अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा लेते हैं ना केवल, 122 वो अभेद विवक्षा से है, भेद विवक्षा से करे तो 146 पूरी बंद योग्य है, बंद तो होता है, उसके बिना सत्ता कैसे आएगी उसके। वो अभेद विवक्षा से विचार किया है ना वहाँ पर, इसलिए 120 और 122 लिया है, और सत्व में सभी भेद विवक्षा से विचार किया है 148। हाँ आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन और आहारक संगत लेना,
तो चारों का बंधन ही किया है, उसने बंद किया हुआ है उसमें से वो उद्वेलना करता है, लेकिन इसने बंद ही नहीं किया है तो उसका सत्व आएगा ही नहीं उसके जीवन में कभी भी, अभव्य जीव के। यहाँ पहले जीव बंद करता है फिर उसके बाद उद्वेलना करके सत्व नष्ट करता है, ऐसा कभी होगा ही नहीं ना उसका अभव्य जीव में। और जो अनादि नित्य निगोदी जीव है उसके भी बहुत सारी प्रकृतियों का सत्व नहीं होगा, नित्य निगोदी जीव है, कभी वो देवगति का बंध करेगा ही नहीं, नरगति का बंध नहीं करेगा उसकी। इसलिए जो शास्त्र लिखा है नित्य निगोदी की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है, सब जो नित्य निगोद से बाहर पड़े हुए जीव है उन्हीं की अपेक्षा से परिवर्तन का स्वरूप या जो भी स्वरूप बताया है वो सब नित्य निगोद से निकले हुए जीवों की अपेक्षा से बताए हैं। नहीं तो उसके पंच परिवर्तन भी होते नहीं ना नित्य निगोदी जीव के, उसके केवल द्रव्य परिवर्तन होगा और काल परिवर्तन, मतलब इस उसी पर्याय में इस अपेक्षा भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन तो उसके होगा ही नहीं पूरा। अब आगे सम्यक्तो मार्गना है, सम्यक्तो मार्गना में अपने अपने गुणस्थान में जो है वो लेना। पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि है तो उसके 148 पूरा सत्व रहता है, ये सरल है इसलिए बोर्ड पर नहीं दिखा रहे, इसमें नोट्स में है मिल जाएगा, और सरल है विषय। सासादन में 147 का सत्व रहता है और यहाँ भी विवक्षा उन्होंने अब वो बदल दिए इसमें, वास्तव में नहीं अभी यह बताया था ऊपर नहीं है, और यह एक आचार्य की अपेक्षा से फिर लेना पड़ेगा वो आहारक द्विक, वो ऊपर जो किया हुआ भी जीव आता है दूसरे गुणस्थान, मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्तों में से भी वो दूसरे गुणस्थान में आता है ऐसा लेते हैं ना जो जी उसके। वो मतलब एक आचार्य की अपेक्षा से वो दूसरे गुणस्थान में आता है, और भूतबले आचार्य नहीं कहते कि वो दूसरे गुणस्थान में नहीं, क्योंकि उसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की है तो वो दूसरे गुणस्थान में नहीं आता है ऐसा कहते, तो उनकी अपेक्षा से वो नहीं होगा सत्व। लेकिन अब यति ऋषभ आचार्य मानते हैं वो उद्वेलना मतलब अनंतानुबंधी की विसर्जन किए बिना भी श्रेणी चढ़ता है और वह नीचे आएगा तो वह दूसरे गुणस्थान में जा सकता है। और ऐसी भी एक विवक्षा है कि विसर्जना किया हुआ जीव भी वो संयोजना करके दूसरे गुणस्थान में आ सकता है, एक साथ उसका संयोजना भी हुई और उसका उदय भी आ गया, ऐसा भी वो जय धवला में आता है उसके कषाय पाउडर में। तो उनकी अपेक्षा से ये दूसरे गुणस्थान में लगाया है 147 का सत्व। मिश्र में भी एक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, लेकिन अभी तक तो सब अन्य की अपेक्षा से बताया था वैसे ही बताना चाहिए था, लेकिन यह विवक्षा बदल दी। हाँ मिश्र में भी 147 का ही सत्व रहेगा, एक तीर्थंकर का सत्व नहीं रहेगा। उपशम समेत तो में पूरा 148 का सत्व रहेगा, क्योंकि द्वितीय उपशम समेत दृष्टि जो है वो भी उपशम समेत तो में आता है ना, तो तीर्थंकर प्रकृति का सत्व बंद कर सकता है। वेदक समेत तो जो है उसमें भी 148 का सत्व रहेगा। शायिक समेत तो में 7 प्रकृतियों का क्षय किया है इसलिए ज्यादा से ज्यादा 141 का सत्व रहेगा उसको, मतलब नाना जो उनकी अपेक्षा से कथन है, सब नाना जीवों की अपेक्षा से लेना, लेकिन चारों आयु का सत्व किसी एक जीव को नहीं होता है, दो ही आयु का जल नाना जीव की अपेक्षा से उस शायिक सम्यक्तों में कितनी कितनी प्रकृति संभव है यह ऐसा लेना वहां पर। और गुणस्थान तो अपने को पता है, उपशम सम्यक्तों के 4 से 11, वेदक सम्यक्तों के 4 से 7 और शायिक सम्यक्तों के 4 से लेकर के 14 तक। और शायिक सम्यक्तों में सत्वादि का कोष्टक यहाँ लिया है, जैसे शायिक समय तुम्हें सत्व योग्य 141 है इसलिए चौथे गुणस्थान में वहाँ अपना हमेशा कितना सत्व बताते 148, इन शायिक समय तो की अपेक्षा से अलग आएगा इसलिए उसका दिया है, उसको अपन देखते हैं एक बोर्ड पर। चौथे गुणस्थान में वहाँ 141 का सत्व रहेगा और विच्छुत्ति वहाँ 2 की होगी, क्योंकि अभी सवेरे देखा था ना अपने नरकायु और तिरियंचायु, 5वें गुणस्थान में शायिक समय तो सहित तिरियंचायु नहीं होती है,
चौथे गुणस्थान में एक शायिक सम्यक्तों में तिरंच पाया जा सकता है, पांचवें गुणस्थान में नहीं, इसलिए वहां क्या होगा, चौथे में ही नरकायु और तिरंचय दोनों की विच्छुत्ति हो जाएगी। शायिक सम्यक्तों में चौथे में किया ना, पुस्तक में किया है क्या, बाद में देखेंगे उसमें, ये अब नोट्स में से देखते चलो। हाँ तो सत्व विच्युति दो की हुई और पांचवें गुणस्थान में दो का असत्व हुआ और सत्व 139 का, 141 में दो कम हो गए तो 139 का हो गया। विच्युति पांचवें में कुछ भी नहीं है, छठे में भी कुछ विच्युति नहीं है, सातवें में एक देवायु की विच्युति होगी शपक्षरणी की अपेक्षा से, क्योंकि आगे उस वह देवायु का बंधक किया हो तो शपक्षरणी नहीं चढ़ सकता है, तो उसके भी एक विच्युति होने पर आठवें में सत्व 138 का हो जाएगा और असत्व 3 का होगा। आठवें में कुछ विच्युति नहीं है, फिर नवे गुणस्थान में क्रम से लेना, वहाँ पर पहले भाग में 16 की विच्युति हुई वही सब है, फिर वो जो सत्व योग्य प्रकृतियाँ हैं उसमें अंतर आता जाएगा, अंतर आएगा मतलब मूल में जो है उससे ही इसमें अंतर होगा, यह तो वैसा ही पाया जाएगा क्योंकि वो 10 के बिना ही है ना आगे, इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं फर्क होगा। 122, 114, 113, 112, 106, 105, 104, 103 वही सत्व रहेगा और विच्युति में क्रम से 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 1 की विच्युति होगी। फिर दसवें गुणस्थान में 39 का सत्व हो गया और सत्व 102 का हुआ, विच्युति एक संज्वलन लोप की, बाकी कुछ अंतर नहीं है, केवल इतना अंतर है चौथे गुणस्थान में नरकाय और तिरंचय की वहाँ विच्युति की है, बाकी सब गुणस्थान के समान ही है। सौधनी मार्गणा में 148 का पूरा सत्व रहेगा सौधनी में, और सौधनी में 147 का सत्व रहेगा, एक तीर्थंकर का सत्व नहीं रहेगा, तीर्थंकर का बंध जिसने किया है वह सौधनी में उत्पन्न नहीं होगा, बाकी सभी का सत्व सौधनी में भी पाया जा सकता है। आहार मार्गना अब लास्ट मार्गना है, 148 का पूरा सत्व रहेगा और अनारक मार्गना में भी 148 का सत्व रहेगा, उसमें गुणस्थान कितने होंगे, पहला दूसरा चौथा तेरवा और चौदवा, तो पहले गुणस्थान में पूरा 148 का सत्व रहेगा, दूसरे गुणस्थान में 144 का ही सत्व होगा क्योंकि अनारक मार्गना है तो अपर्याप्त अवस्था में नरगति नहीं होती है दूसरे गुणस्थान में, इसलिए चार का असत्व होगा, आरक द्विक, तीर्थंकर और नरकायु। अब वापिस यहाँ आरक द्विक को असत्ता में डाला, असंयत में 148 का पूरा सत्व रहेगा, संयोग केवली में 85 और 63 का सत्व और 63 का असत्व, अयोग केवली के द्विचरम समय में 63 की 72 की विच्युति होगी और चरम समय में 135 का उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया वहां पर, ये पांच है ना उसका आगे निकाल, सत्व में से निकाल करके असत्व में लगा दो, पांच उल्टा हो गया, वो क्या हो गया, एक बार असत्व इधर लिखा और एक बार सत्व इधर लिखा है इसलिए वो गड़बड़ हो गया। सत्व में 135 लिया है ना चरम समय में, वहां पर 13 ही चाहिए, और असत्व में 135 करना और विच्छुति में वापिस 13 करना, 13 है ये वहाँ पर, केवल सत्व में 135 लिखा है वो पांच निकाल दो वहाँ से और असत्व में पांच रखो। आरक द्विक का तो वहाँ पाया जाएगा उल्टा, दूसरे गुणस्थान में उनके अपेक्षा से तो पाया जाता है और दूसरे आचार्य की अपेक्षा से दूसरे गुणस्थान में जाता ही नहीं, वो द्वितीय सम्यक्तों में मरण करके द्वितीय सम्यक्तों से च्युत होकर के दूसरे गुणस्थान में जाता ही नहीं है, वो विसंयोजना का कुछ संबंध नहीं है, दूसरे गुणस्थान में जाता है कि नहीं है द्वितीय सम्यक दृष्टि, दो मत है। वहाँ दोनों घटित करते हैं, विसंयोजना वाला भी जा सकता है और बिना विसंयोजन किया हुआ भी दूसरे गुणस्थान में जाता है। उसके आरक्षण की सत्व
आरख द्वी की सत्ता पाई जा सकती है मतलब। इसलिए नरकायु की वहाँ पर विच्छुत्ति की है, नरकायु का असत्व बताया। गाथा दो पढ़ना है अपने को, 355 नंबर की गाथा। अभव सिद्धे नतिहु सत्तम तिथयर सम्मिश्रणम आहार चौकसवी असन्य जीवे नतिथयरम। अभव सिद्धे नतिहु सत्तम तिथयर सम्मिश्रणम, जो जो विशेषता है वो बता रहे हैं ना। अभव्य सिद्धों में तीर्थंकर प्रकृति, सम्यक्त्व, मिश्र और आहार चौकस्सवी, आहार चतुष्क की भी सत्तम नत्थी सत्व नहीं होता है। असन्य जीवे भी जीवे न तित्तेरम, असौद्य जीव में केवल तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाता। 356 नंबर का आता है। कम्मे वानाहारे पैडीनं सत्तमेव मादेशे कैयमिणं बलमाहव चंदच्चियने मि चंदेन। कम्मेव अनाहारे, कर्मण कायों के समान ही अनारक में भी लगाना। पैडीनं सत्तम मतलब प्रकृतियों का सत्व, एवं इस प्रकार आदेशे मतलब पारगणाओं में बलमाहव चंद चिय नेमी चंदेन, बलदेव और माधव चंद्र के द्वारा अर्चित ऐसे नेमी चंद्र के द्वारा इनं कहियं, यह सत्व कहा है। नेमी चंद्र आचार्य ने बताया और उनके शिष्य बलचंद्र और माधव चंद्र थे, बलदेव और माधव चंद्र, इसलिए उनके द्वारा अर्चित ऐसा लिखा है। अब एक आखिर की गाथा है इसमें सत्व की, 357 नंबर गाता है। तिवन महियो सिद्धो बुद्धो निरंजनो निच्चो दिसदुवरणान लाहं बुहजन परिपत्थनं परम शुद्धं। सोमे तिवन महियो, वे नेमिनाथ भगवान कैसे है त्रिभुवन महित, वो नेमी चंद्र पीछे की गाथा में लिया ना, वो दोनों को लग सकता है, नेमी चंद्र आचार्य को भी लगता है, नेमीनाथ भगवान को भी लगता है। नेमीनाथ भगवान भी कृष्ण और बलदेव के द्वारा अर्चित थे, वहाँ माधव चंद्र मतलब कृष्ण और बलदेव ये दोनों के द्वारा, नेमी चंद्र आचार्य के भी दोनों शिष्य थे बलदेव और माधव चंद्र नामक। तो सोमे तिहुवन महिमो, वह मतलब नेमीनाथ भगवान कैसे त्रिभुवन महिमो, तीनों लोकों में पूजित हैं, लोगों के द्वारा पूजित, और कैसे है सिद्ध बुद्ध निरंजन। सिद्ध मतलब सिद्ध हुए हैं, ज्ञानी है, केवल ज्ञान स्वरूप है, निरंजन सभी प्रकार के दोषों से रहित है, नित्य मतलब नित्य है, ऐसे जो नेमिनाथ भगवान, और कैसे है परम शुद्धम अत्यंत शुद्ध, वे बुहजन परिपत्थनम वरणान लाहम। बुद्धजन किसकी प्रार्थना करते हैं, बुद्धजन मतलब ज्ञानी जन, कि मुझे ज्ञान और उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ज्ञानी जनों के द्वारा जो प्रार्थनीय है ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान की ज्ञान का लाभ वे देवे, निषेध मतलब देना, इस अपेक्षा से लेना कि वे नेमिनाथ भगवान मुझे उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति करा दे, इस प्रकार की मंगल भावना यह व्यक्त की है। मतलब संपूर्ण की रचना करने के पीछे आचार्य का अभिप्राय केवल अपने को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, कर्मों का नाश हो, मोक्ष के लिए शास्त्र का अभ्यास किया जाता है, यह हमेशा याद रखना चाहिए। क्या परिपत्थन वही मतलब परिप्रार्थित, प्रार्थनीय ज्ञानी लोगों मतलब ज्ञानी लोग जिसकी प्रार्थना करते हैं ऐसा, मतलब वो जो उत्कृष्ट ज्ञान है वो किस उसकी प्रार्थना कौन करते हैं, उत्कृष्ट ज्ञानी लोग करते हैं, उसका विशेषण करना वरनान का, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो सत्वस्थान समझ करके हमें भी जीवन में ये लाभ होना चाहिए कि मुझे मेरे पास इतने शत्रु बैठे हुए हैं
और उनका मुझे नाश करना है। अपने घर में कोई शत्रु घुसा है तो हम शांति से सो सकते हैं क्या? वो शत्रु कब, हम सोने के बाद कब उठ जाएगा और हमारा संपूर्ण जो धन है वो लूट जाएगा? इसलिए सोते नहीं है। अभी वहाँ उस घर में सांप घुसा तो कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है क्यों? उसका डर लगता है, लेकिन ये मिथ्या तो रूपी सांप और कषाय रूपी सांप का डर नहीं लगता है। और वहाँ शांति से सो रहे मिथ्या तो में और कषाय में। वहाँ भगवती आराधना में उन्होंने दिया है ना, नींद क्यों नहीं आती है? तो यदि सर्प का भय हो, नींद को जीतने का बताया उपाय, बता बहुत अच्छा बताया है वहाँ। तो वहाँ यदि हमें ये डर लगे कि मिथ्यात्व रूपी चोर बैठा हुआ है अपने में तो नींद नहीं आएगी। कषाय रूपी सर्प बैठे हुए हैं तो नींद नहीं आएगी। जैसे वो घर में नींद नहीं आती है सांप और चोर हो तो। जानिए अपने उपयोग को अपनी वस्तु पर केंद्रित करके जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। इस शरीर में जो शुद्ध सत्ता है, चैतन्य सत्ता, उसी को अपने उपयोग का विषय बनाइए। केवल चैतन्य सत्ता ही शुद्ध सत्ता है। चैतन्य के साथ मिला हुआ कर्म और नौकर्म ही वस्तु को अशुद्धता में निमित्त है। यह मेरी वस्तु तो अपने में स्वतंत्र स्वाधीन है, शुद्ध है। इस मेरी वस्तु में कर्म नो कर्म है ही नहीं। जानिए मैं कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप हूँ। देखिए भीतर, झांक करके अंदर देखिए, अंदर अपनी वस्तु है। अंदर की आँख खोल करके देखिए तो दिखाई देगी। ज्ञान का अस्तित्व, चैतन्य का अस्तित्व, अनंत गुणों का अस्तित्व यहाँ पर विद्यमान है। इस कर्म की सत्ता में अपने को स्थापित करके मैं अपनी सत्ता को भूल गया हूँ। अब जानिए ये कर्म तो कर्मण वर्गणा की का परिणमन है, मेरा परिणमन नहीं है। पुद्गल परमाणुओं का अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व तो मुझ में है ही। परम विशुद्ध ज्ञान स्वरूप सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अखंड चैतन्य स्वरूप परद्रव्य परभाव शून्य स्वरूप निज गुण भरितावस्थ स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सवसाहूनम।